एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था, बस ये थोड़े दिन और जीकर मैं इतना तो जान गया हूं, जीने के लिए बस एक ही वजह काफी होती। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ठीक हो? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो घर जा रहे थे ना। क्या है हम तुम्हारे, कौन है कौन हम? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। प्यार ना है। और तू भी राजा, मुझे ऐसे मत देखना, मैं कोई खाने की चीज नहीं। राधे श्याम को अभी से सुपर हिट का दर्जा क्यों दिया जा रहा है? क्या होता है जब एक लड़के को सच्चा प्यार होता है? राधे श्याम नाम पर इतनी पॉलिटिक्स क्यों चल रही है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। राधे श्याम की रोमांटिक यात्रा में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि बहुत ही रोमांटिक ये फिल्म होने वाली है और टाइम टाइम पर आप प्यार की दुनिया में खोते हुए खुद को महसूस करेंगे। और प्रभास और पूजा हेगड़े हैं, इसीलिए सुपर हिट तो ऑलरेडी ये फिल्म है। इसके अलावा आपको बता दें, इसका जो मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है उसने भयंकर बस बना दिया है। ट्रेन की जर्नी के इर्द गिर्द घूमती हुई ये कहानी आपको दिखेगी और प्रभास एक पाम रीडर यानी कि हस्तरेखा विशेषज्ञ की भूमिका में आपको नजर आएंगे। वहीं पूजा हेगड़े म्यूजिक टीचर के रोल में आपको नजर आएगी। पहली बार दोनों सितारे एक साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। राधे श्याम मूवी में भाग्यश्री, प्रियदर्शी, मुरली शर्मा, कुणाल रॉय कपूर जैसे बड़े बड़े कलाकार नजर आएंगे और पूरी 5 भाषाओं में इसे रिलीज किया जाना है। और अब इसके नाम को लेकर थोड़ी सी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आपको याद हो कि शाहरुख ने एक टाइम पर बहुत पहले अनाउंस किया था कि जब भी वो कोई फिल्म बनाएंगे तो उसके क्रेडिट में पहले महिला यानी कि जो एक्ट्रेस है, लीड एक्ट्रेस है, उसका नाम होगा। तो उस टाइम भी कुछ पॉलिटिक्स होने लग गई थी और 2013 का ये टाइम था जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और तब शाहरुख ने शपथ ली थी। तो लोगों ने कहा कि भाई नाम से क्या होता है, शाहरुख को ही तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, कौन सा उस एक्ट्रेस को पैसे मिल रहे हैं। फिर भी शाहरुख ने एक पहल की थी। तो राधे श्याम को लेकर भी ऐसी ही पॉलिटिक्स जारी है। खैर, पॉलिटिक्स कितनी भी हो, ये फिल्म कितनी चर्चाओं में आए, ये तय है कि फिल्म सुपर डुपर हिट रहेगी। तो प्यार की बात हो रही है तो चलिए एक और प्यार की बात कर लेते हैं हम आपसे। दोस्तों, हम हर रोज़ न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन प्यार सिर्फ एक से ही होता है। प्यार एक ऐसी फीलिंग होती है जिसे शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। प्यार हो जाने पर इंसान पूरी तरह बदल जाता है। लड़कियां जब प्यार में होती है तो उनके साथ क्या क्या होता है, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है और आप भी जानते होंगे, लेकिन लड़कों की फीलिंग्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, 6 बातें हैं। अगर आप बॉय यानी कि लड़के हैं तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो सच्चे प्यार में अगर कोई लड़का है तो उसमें कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे, जैसे कि सच्चे प्यार में जाने के बाद लड़का बेकार की बातें करना बंद कर देता है। वो अपने पार्टनर के साथ बैठकर भविष्य की बातें करना पसंद करता है। सच्चा प्यार हो जाने के बाद लड़के इस बात को किसी से नहीं छिपाना चाहते, वो सबको बता देना चाहते हैं, अपने दोस्तों, भाई बहनों, रिश्तेदारों। लड़कियों में थोड़ा कम होता है, थोड़ी झिझक होती है, वो नहीं चाहती कि सबको पता चल जाए। तीसरी बात ये कि प्यार हो जाने के बाद अचानक से लड़के लड़की के घर वालों के बारे में जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं, उतावले रहते हैं, वो लड़की के भविष्य को लेकर भी फिक्रमंद रहते हैं और समय समय पर उसे बताते रहते हैं ये कर ये मत कर। और
प्यार होने की स्थिति में लड़के अचानक से बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं। वो इस कोशिश में रहते हैं कि लड़की को किसी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो। और एक और बात, प्यार हो जाने के बाद अचानक से लड़के का लड़के प्रति भरोसा भी है ना, वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ सिम्टम है कि जब लड़के को प्यार होता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा राधे श्याम के बारे में हम बता दें कि प्यार की कहानी है ये और बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। प्रभास और पूजा हेगड़े की अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा जल्द ही हमें बड़े स्क्रीन पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लंबे अरसे से इंतजार के बाद फैंस को ये खुशी हासिल हुई। राधे श्याम की शूटिंग मुख्य तौर पर यूरोप के 1970s वाले सेट के तर्ज पर हुई है। इसकी स्क्रिप्ट लिखी है राधा कृष्णा ने। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ पहली बार प्रभास के ऑपोजिट नजर आएंगी पूजा हेगड़े। तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल मचाती है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। वहीं फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो इसका हिंदी वर्जन के सॉन्ग्स को कंपोज किया है मिथुन और मनन भारद्वाज ने। राधे श्याम को लेकर प्रभास और पूजा हेगड़े के फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और लंबे अरसे के इंतजार के बाद अब हमें ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दिखेगी। सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चला है कि फिल्म को 30 जुलाई 2021 को थिएटर में रिलीज किया जा सकता है। पूजा हेगड़े के ऑपोजिट नजर आने वाले हैं साउथ के मशहूर सुपरस्टार हमारे बाहुबली यानी प्रभास। दोस्तों प्रभास का क्रेज ऐसा है कि वो हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जाता है, स्पेशली लड़कियों के दिल में। बाहुबली के बाद से ही प्रभास नेशनल क्रश बन गए हैं और हर दिन उनकी कोई ना कोई खबर सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती रहती। वेल, हमारे लिए ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है कि पहली बार प्रभास और पूजा हेगड़े एक दूसरे के ऑपोजिट नजर आएंगे और एक दूसरे के साथ बड़े स्क्रीन पर रोमांस करते हुए दिखेंगे। राधे श्याम की बात करें तो ये 1960 से 70 में बसे यूरोप की एक लव स्टोरी ड्रामा है। सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिली है कि इस फिल्म में पूजा हेगड़े ट्विन सिस्टर की भूमिका में नजर आएंगी और इन दोनों बहनों को प्रभास से प्यार हो जाता है। एट द एंड इन दोनों में से किसी एक को अपने प्यार का सैक्रिफाइस देना पड़ता है। वेल, आगे की स्टोरी क्या है और प्रभास किस किरदार में नजर आने वाले हैं, ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिल्म की स्टोरी लाइन तो काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक र्यूमर भी हो सकता है क्योंकि अभी तक फिल्म की यूनिट की तरफ से स्टोरी लाइन की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। तो अटकलों से दूर रहें और आने वाले दिनों में खुद थिएटर में जाके देखें कि फिल्म की स्टोरी क्या है, इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है। फिल्म की मुख्य स्टोरी लाइन एस्ट्रोलॉजी और साइंस के कंपैरिजन पर बेस्ड है। आपको बता दें इस फिल्म में प्रभास और पूजा हेगड़े के अलावा और भी कई नामी चेहरे देखने को मिलेंगे। बीते वैलेंटाइंस डे को फिल्म का पहला टीजर भी जारी किया गया। हमें ये जानकारी भी हाथ लगी है कि इस फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जा सकता है। फिलहाल फिल्म मलयालम, तेलुगु और तमिल, साथ ही हिंदी में रिलीज की जाएगी। वैलेंटाइंस डे के मौके पर फिल्म का पहला टीजर भी जारी किया और जैसे ही टीजर लॉन्च हुआ सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। इस टीजर में प्रभास एक ट्रेन में जंप करते हुए नजर आ रहे हैं और फिर एंट्री होती है पूजा हेगड़े की और पूजा हेगड़े उनसे पूछती हैं कि क्या तुम अपने आप को रोमियो समझते हो, तो उसका जवाब प्रभास देते हैं, नहीं मैं रोमियो के जैसा नहीं हूँ, वो प्यार की खातिर मर गया लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। टीजर तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, फिल्म कैसी होती है ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। जितने भी मूवी प्रेमी हैं वो सब इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि स्टोरी लाइन से लेकर फिल्म का टीजर काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है।
तो दोस्तों हमारा लंबा इंतजार अब बस कुछ ही महीनों में खत्म होने वाला है। हम जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों कलाकारों को एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए। ऐसी कितनी फिल्में बनी जो अपने कपड़ों के खर्चे के लिए जानी जाती है। प्रभास के लुक पर क्यों हो रहा है इतना खर्चा? क्या फिल्मों में कपड़ों पर खर्चा करना सही इन्वेस्टमेंट है? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आजकल लोगों को लुभाने के लिए फिल्मों पर डायरेक्टर्स लाखों करोड़ खर्च कर देते हैं। इस खर्च का मोटा हिस्सा फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाने में भी खर्च किया जाता है। जल्द ही एक्टर प्रभास और पूजा हेगड़े फिल्म राधे श्याम में नजर आने वाले हैं, जिसका टीजर इन दिनों चर्चा में है। इस फिल्म का कुल बजट 350 करोड़ का है, जिसमें से 6 करोड़ महज प्रभास के कॉस्ट्यूम में लगाए गए हैं। प्रभास से पहले भी कई बॉलीवुड के ऐसे सितारे हैं जिन्होंने इतने महंगे कपड़े पहने हैं और सुर्खियां भी बटोरी है। पीरियड ड्रामा फिल्म पद्मावत कई कारणों से चर्चा में बनी थी। इसका एक बड़ा कारण फिल्म का बजट भी था, जिसमें से ज्यादातर पैसे सितारों के कपड़े में और गहनों में लगाए गए। ये फिल्म 160 करोड़ रुपए के बड़े बजट में तैयार की गई थी। फिल्म के गाने घूमर के लिए जो महंगा लहंगा दीपिका पादुकोण ने पहना था, उसके अकेले की कीमत 30 लाख रुपए थी। इतने में एक मिडिल क्लास वर्ग के घरों में शादियां हो जाती है, जितने का फर्क एक्ट्रेस के लहंगे में दिख रहा था। दूसरी हैरानी की बात ये थी कि एक्ट्रेस के लहंगे का वजन 30 किलो था, जिसे पहनकर एक्ट्रेस ने मुश्किल डांस स्टेप्स भी किए थे। इस लहंगे को तैयार करने में 600 दिन लगे थे। अब बात करें ब्लॉकबस्टर फिल्म जोधा अकबर की, तो इस फिल्म में ऐश्वर्या राय ने जोधा बाई का कैरेक्टर प्ले किया था। फिल्म में एक्ट्रेस का रॉयल लुक देखकर हर कोई हैरान और अचंभित थे। उनके हर लहंगे और कपड़े को बारीकी से डिजाइन किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके हर एक ड्रेस की कीमत 2 लाख रुपए थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी दोस्तों कि फिल्म के हर एक सीन में एक्ट्रेस नया नया लहंगा पहने हुए दिखी थी। मैं दोस्तों आपको बता दूं, इस लहंगे को डिजाइन किया था नीत लल्ला ने। अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर मस्तानी की। जी हाँ, ब्लॉकबस्टर फिल्म बाजीराव मस्तानी में दीपिका के कैरेक्टर की यूं तो काफ़ी सराहना हुई। बल दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस कैरेक्टर को बड़े पर्दे पर रॉयल दिखाने के लिए इसने 50 लाख रुपए खर्च किए थे फिल्म मेकर्स ने। ऐसी ही एक और फिल्म बन रही है जिसे डायरेक्ट करते हुए देखेंगे राधा कृष्ण। हम बात कर रहे हैं राधे श्याम की, जिसमें प्रभास के कपड़ों पर ना जाने और कितने पैसों को खर्च किया जाएगा उनको परफेक्ट विंटेज लुक देने के लिए, जैसा कि हमने टीजर में भी देखा। आज की ऑडियंस की अगर बात करें तो इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि आजकल लोगों को कपड़ों और रॉयल लुक काफ़ी पसंद भी आते हैं, और वो इसी वजह से फिल्म देखने थिएटर्स भी जाते हैं। इस वजह से फिल्म मेकर्स पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि भले ही लाखों खर्च कर दें स्टार्स के कॉस्ट्यूम पर, लेकिन फिल्म हिट ही होनी चाहिए। अब देखते हैं राधे श्याम क्या कमाल दिखाती है बॉक्स ऑफिस पर। राधे श्याम में हॉरर एलिमेंट्स की प्रेजेंस, सोर्सेज के हिसाब से राधे श्याम में ऐसे कई शॉकिंग हॉरर एलिमेंट्स होंगे जो कि ऑडियंस को लिटरली गूज़बम्प्स दे जाएं, और इन सभी मोमेंट्स को मोस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए टीम टॉप नॉच वीएफएक्स स्पेशल इफेक्ट्स और हार्ट पंपिंग बैकग्राउंड म्यूजिक का भी फुली यूज कर रही है। फिल्म में हॉरर एलिमेंट्स इंक्लूजन के सॉलिड 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला ये इनकार्नेशन सागा है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट की इफेक्टिवनेस एंड न्यूनेस को दिखाने के लिए शायद हॉरर का सहारा लिया जाए। दूसरा, स्टोरी में प्रभास एक फॉर्चून टेलर है और इस प्रोफेशन से जुड़े ब्लैक मैजिक और सुपरनैचुरल पावर्स को मोस्ट इंटरेस्टिंग वे में पोर्ट्रे करने के लिए भी हॉरर यूज हो सकता है।
या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड फैंटेसी ट्विस्ट जो कि व्यूअर्स को ट्रू सेंस में चौंका के रख दे। सिर्फ यही नहीं, राधे श्याम फिल्म से एक और क्रिशियल डिटेल का भी खुलासा हुआ है जो कि इसका 30 मिनट लॉन्ग शिप सीन है और रोमांटिक एलिमेंट को हाईलाइट करने का काम करेगा। इस हाफ एन आवर सीक्वेंस को एंटायरली शिप पे ही शूट किया जाएगा और स्टोरी लाइन के हिसाब से इसकी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस होगी। यहाँ तक कि मेकर्स तो कॉन्फिडेंट है कि फिल्म की सबसे मेन हाईलाइट यही सीक्वेंस होने जा रहा है। मे बी फॉर्चून टेलर और रीइंकार्नेशन जैसे फैंटेसी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बेस इसी सीक्वेंस से मिले और उस हिसाब से सारी फिल्म ही इस सीन पे बेस्ड हो। खैर, इन सभी क्वेश्चंस का सटीक आंसर तो राधे श्याम की रिलीज के बाद ही पता लग पाएगा और जिसमें अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि इसके क्रिशियल सीन शूट होना अभी भी बाकी है। एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ प्रभास स्टारर फिल्म, मेकर्स इसे मैजिकल एक्सपीरियंस बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिर वो बात कॉस्ट्यूम्स के लिए ह्यूज अमाउंट पे करने की ही क्यों ना हो। As we know, राधे श्याम एक पीरियड रोमांटिक फिल्म है जो कि सेट है 70s के यूरोप बैकग्राउंड पे, इसलिए मेकर्स ने अपने लीड स्टार को विंटेज लुक में परफेक्टली ढालने के लिए तगड़ा खर्चा किया है। बताया जा रहा है कि सिर्फ प्रभास की ही विंटेज एथनिक कॉस्ट्यूम्स के लिए 6 करोड़ तक खर्चा किया जा चुका है और कॉस्ट्यूम्स के हिसाब से ये इनकी सबसे महंगी फिल्म होने जा रही है। ये एफर्ट एविडेंट हो जाता है राधे श्याम के विजुअली स्टनिंग पोस्टर से जिसमें प्रभास स्टाइलिश विंटेज आउटफिट्स पहने देखे जा सकते हैं। राधे श्याम से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साउथ सुपरस्टार प्रभास के फैंस के बीच अपना एक अलग ही चार्म है। उनकी एक्टिंग ही नहीं बल्कि उनके गुड लुक्स भी उन्हें चर्चा में रखती है और उनके इसी चार्म को देखते हुए फैंसी उदा नाम की एक पॉपुलर वेबसाइट ने उन्हें एशियन 2021 मोस्ट हैंडसम मैन का खिताब दिया है जो प्रभास के फैंस के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। प्रभास के तालम और उनके एक्टिंग के जादू से टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड की भी हर हसीना उनके साथ काम करने को बेताब है। बड़े से बड़े निर्माता आज प्रभास को अपनी मूवी में लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। प्रभास फिल्मों में रोमांस करने में जितना ब्लश करते हैं, कहा जाता है असल जिंदगी में वक्त बहुत ही शर्मीले हुआ करते थे। आज लड़कियों की इतनी फैन फॉलोइंग वाले प्रभास एक समय पर लड़कियों से बात करने तक से शर्माते थे। रिपोर्ट के मुताबिक बाहुबली के बाद प्रभास के लिए 6,000 से भी ज्यादा लड़कियों के रिश्ते आए थे। जब से प्रभास ने बाहुबली का रोल किया है उन्हें लगातार शादी के लिए प्रपोजल आ रही है। अब तक उन्हें कई लड़कियों ने शादी के लिए प्रपोज किया है लेकिन प्रभास ने फिलहाल इन सभी रिश्तों को ना कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिया है। देश में सिनेमा घरों को खोलने का ऐलान 31 जुलाई से कर दिया गया था। इस मौके पर कई बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट का ऐलान हुआ। 3 बड़ी फिल्में एक ही दिन रिलीज होगी। इनमें पवन कल्याण, महेश भट्ट, प्रभास जैसे बड़े एक्टर लीड किरदारों में है। देश भर में सिनेमा घर कोरोना नियमों के तहत खुल गए हैं। इसके साथ ही मेकर्स और प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्मों की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी, लारा दत्ता और वाणी कपूर स्टार बेल बॉटम 9 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। वहीं सुपरस्टार प्रभास ने भी अपनी फिल्म राधे श्याम की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। राधे श्याम 14 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति के मौके पर रिलीज होगी। राधे श्याम एक रोमांटिक लव स्टोरी है जिसमें प्रभास और पूजा हेगड़े लीड रोल में है लेकिन प्रभास इसे आसानी से सफल नहीं बना पाएंगे क्योंकि इस फिल्म को टक्कर देने के लिए 3 बड़े स्टार की मूवी इस दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है। 3 बड़े स्टार में महेश बाबू, पवन कल्याण और राणा दुगुबाती हैं। इनकी फिल्में भी मकर संक्रांति 2022 में रिलीज होगी। प्रभास की फिल्म कई भाषाओं में पूरे देश और दुनिया में रिलीज होगी जबकि इन तीनों स्टार्स की फिल्म क्षेत्रीय स्तर पर रिलीज होगी। फिल्म के क्रिटिक और फिल्म एनालिस्ट तरुण आदर्श ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि मकर संक्रांति 2022 को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की 3 बड़ी फिल्में रिलीज होगी। इनमें महेश बाबू की सरकारू वारी पाता, पवन कल्याण और राणा दुग्गुबाती की एक फिल्म टाइटल तय नहीं हुआ है और प्रभास स्टार राधे श्याम है। वैसे तो चारों स्टार की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, ऐसे में देखना होगा कि कौन सी फिल्म आगे निकलती। एक पॉपुलर एक्टर के पास करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन आते हैं और वह उसे आसानी से करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रभास ने पिछले साल काफी सारे ब्रांड एंडोर्समेंट की को रिजेक्ट कर दिया है। उनसे कई ब्रांड ने संपर्क किया लेकिन उन्होंने खुद को एक ब्रांड के साथ जोड़ने के बारे में कुछ सख्त नीतियाँ अपनाई हुई है। उनसे जुड़े एक सूत्र ने कहा कि वह जिस वैल्यू को एक ब्रांड में लाने में सक्षम है वह बहुत बड़ा है। बताया जा रहा है कि प्रभास ने पिछले एक साल में 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ब्रांड एंडोर्समेंट ऑफर को रिजेक्ट किया है। इसके पीछे की भी वजह बताई गई है। उन्होंने कहा कि इन सभी ब्रांड एंडोर्समेंट को रिजेक्ट करने की वजह ये नहीं है कि
वह विज्ञापन नहीं करना चाहते, बल्कि बात यह है कि वो काफी सेलेक्टिव है। प्रभास जिस एंडोर्समेंट को पसंद करते हैं उसी से जो नाम पसंद करते हैं उसी को सेलेक्ट करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रभास आज जहां है वह उस पोजीशन को समझते हैं, इसलिए वह काफी सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसलिए विज्ञापनों के शूट करवाना मुश्किल है क्योंकि ये सोच उन्हें खास बनाती है। वेल, अब देखना ये होगा कि अगले साल मकर संक्रांति के अवसर पर कौन से सुपरस्टार बाजी मारते हैं। क्या प्रभास के फैंस उनकी मूवी राधे श्याम को ब्लॉकबस्टर साबित करते हैं या नहीं? राधे श्याम फिल्म से कौन सी 90s की प्रोमिनेंट एक्ट्रेस कमबैक करने जा रही हैं? सलमान और प्रभास के बीच क्या है सिमिलैरिटी? राधे श्याम फिल्म से कौन सी फेमस स्पोक्स मॉडल अपना बिग स्क्रीन डेब्यू करेगी? राधे श्याम एक मल्टीलिंगुअल फिल्म रोमांस फ्लिक है जिसके मेन लीड स्टार प्रभास और पूजा हेगड़े इसके मेन अट्रैक्शन है। ये दोनों स्टार अब लगभग हर एक इंडस्ट्री में हाउसहोल्ड नाम हो चुके हैं, जो कि स्टारडम को पैन इंडियन रिलीज से और भी ज्यादा मैसिव बनाने जा रहे हैं। लेकिन राधे श्याम में इन लीड एक्ट्रेस के अलावा फोकस ऐसे दो टैलेंटेड एक्ट्रेसेस पे भी रहेगा जो कि इस बिग बजट मूवी से या तो अपनी न्यू इनिंग स्टार्ट कर रही हैं या तो फिर सेकेंड इनिंग से धांसू कमबैक करने की तैयारी में है। कौन है ये दो एक्ट्रेसेस जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियो चैनल में, मैं हूँ आपकी एंकर रक्षिता। पहले बात कर ले सीनियर आर्टिस्ट की जो कि बॉलीवुड में अपनी दूसरी इनिंग्स शुरू करने के लिए मैसिव प्रोजेक्ट राधे श्याम का हिस्सा बन रही हैं और इनका नाम है भाग्यश्री। रिमेम्बर सल्लू भाई की डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया, इससे भाग्यश्री ने भी अपने कैरियर की शुरुआत की थी, लेकिन इतने सुपरहिट किकस्टार्ट के बाद भी ये सक्सेस को कायम नहीं रख पाई और केवल एक फिल्म के बाद ही लाइमलाइट से दूर हो गई। इसके बाद हालांकि इन्होंने स्मॉल कमबैक अटेम्प्ट तो किए लेकिन इनका कोई खास असर नहीं रहा। अब फाइनली 3 decades के बाद ये बिग स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग कमबैक करने की फुल तैयारी कर रही हैं और जरिया बनेगी मॉडर्न डे लव स्टोरी राधे श्याम। इस बड़ी फिल्म के साथ डेफिनेटली इनके करियर में एक न्यू शाइन आना तय है, जिसके बाद मे बी हमें इनकी प्रेजेंस OTT एंड डिजिटल स्पेस में भी देखने को मिल सकती है। भाग्यश्री प्रभास और सलमान दोनों सुपरस्टार के साथ काम कर चुकी हैं, इसलिए इन्होंने दोनों स्टार की एक सिमिलर क्वालिटी को भी रिवील किया है। इन्होंने कहा कि दोनों ही स्टार के बिगेस्ट स्ट्रेंथ है सेल्फ बिलीव, जो कि उन्हें डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करने में काफी हेल्प करता है और इसी स्ट्रेंथ की बदौलत ही दोनों ने आज इंडस्ट्री में अपने नाम का परचम लहरा रखा है। और अब बात करते हैं एक ऐसी हाउसहोल्ड एक्ट्रेस की जिनका नाम अब भले ही नहीं जानते हो पर इनका चेहरा आपके दिमाग में जरूर छपा हुआ होगा क्योंकि ये टीवी कमर्शियल्स में आती ही इतना फ्रीक्वेंटली है। हम बात कर रहे हैं एयरटेल गर्ल साशा छेत्री के बारे में, जो कि एयरटेल की हर एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में नजर आ ही जाती हैं। साशा वैसे तो प्रोफेशन से अभी तक स्पोक्स मॉडल ही थी, लेकिन पिछले साल इन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था तेलुगु फिल्म ऑपरेशन गोल्डफिश से और अब राधे श्याम जैसी बिग बैंग इंडिया रिलीज से हर एक इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ने को बेताब है। रिपोर्टेडली फिल्म में इनका रोल पूजा हेगड़े की सिस्टर का होगा, जो कि अपने आप में ही एक क्रूशल कैरेक्टर है और हमें उम्मीद है कि ये स्पेस में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से एक हाउसहोल्ड नेम जरूर बनकर रहेगी। आपको बता दें राधे श्याम का मोशन पोस्टर आ गया है जो कि काफी क्यूट है और राधा कृष्ण ने सरप्राइज दिया है एक बहुत बड़ा। और आपको बता दें जो ये फिल्म है इसमें पूजा हेगड़े नजर आने वाली है, बीट्स ऑफ राधे दिलों की धड़कन हमारी बढ़ा रही है और आप देख सकते हैं मोशन पोस्टर में सबसे पहले आता है एक हाथ और क्या विजुअलाइजेशन है जब वो हाथ खुलता है और उसकी लकीरों से फिर उगता है जंगल, जंगल में एक पुल है और फिर एक विंटेज ट्रेन दिखाई गई है और जो ये पूरा सीन है ये हमें कहीं और ही लेके चलता है। आप देखिए इसे किस तरह का उन्होंने विजुअल्स डाले हैं, एनिमेशन सब कुछ कमाल का है। उसके बाद खुलते हैं दरवाजे और एक एक करके हमें अलग अलग एरा की लव स्टोरीज दिखाए जाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। कोई लैला मजनू दिख रहा है तो कोई रोमियो जूलियट दिख रहा है क्योंकि गुलाब देते हुए नजर आ रहा है, घुटने में बैठा हुआ है लड़का। उसके बाद अनारकली टाइप कुछ सीन्स दिख रहे हैं मुगल्स के और एक देवदास का सीन भी नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, एक डॉग दिख रहा है, एक उसकी वाइफ हो सकती है वो, तो इस तरह की चीज़ें दिखाई गई है। अब राधे श्याम भी तो एक लव स्टोरी ही थी तो
प्यार की कहानी जिसे हम कभी ना भुला सके, जन्मों जन्मों का प्यार जिसे कह सकते हैं, वो दिखाई जाने की कोशिश करी जा रही है। हाथ में क्लास है जैसे कि मैंने कहा, और फेमस लव स्टोरीज को पोर्ट्रेट किया गया है। फिर आता है एक प्यारा सा दुपट्टा जो कि हाथ से फिसलता है, और उसके बाद एंट्री होती है हमारी हीरोइन पूजा हेगड़े की, और पूजा हेगड़े ट्रेन से बाहर निकलती है लहराते हुए, और फिर आते हमारे डार्लिंग प्रभास ग्रीन शर्ट में, और जिस तरह से उनका लुक है, चेक पैंट है, ग्रीन शर्ट है, मफलर है, ये ट्रेंड होने ही वाला है और सब फॉलो करा करेंगे। BGM कमाल का है, जैसे जैसे वो राधे कृष्ण का गाना बज रहा है वो वाकई बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है आपके कानों को भी और दिल को भी, तो सुकून भरा ये मोशन पोस्टर लग रहा है। फेस टू फेस आपको राधे श्याम यानी कि प्रभास और पूजा हेगड़े नजर आ रहे हैं। फिल्म में इन दोनों का नाम राधे श्याम तो नहीं लगता, क्योंकि प्रभास का नाम भी रिवील कर दिया गया है विक्रमादित्य, और राधे का भी रिवील कर दिया गया है यानी कि पूजा हेगड़े का नाम प्रेरणा होने वाला है। तो क्या होने वाला है डबल रोल, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कमाल का ये पोस्टर आया है, फॉर्मल शूज पहने हुए हैं, पूजा हेगड़े ने गाउन पहना हुआ है, तो काफी क्यूट ये कपल लग रहा है, और प्यार का पागलपन दिखाया जाना है। उसके बाद राधे श्याम का बड़ा सा फॉन्ट आ रहा है, इसे आज ही हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज कर दिया गया है ये पोस्टर, मोशन पोस्टर। और उसके अलावा आपको बता दो, यूवी क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, भूषण कुमार इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और पहले हमने अपने बाहुबली को देखा, उसके बाद साहू को देखा, और अब हम देखने वाले हैं अपने डार्लिंग प्रभास का रोमांस जो कि वाकई कमाल का होने वाला है। राधे श्याम में कैसी होगी सचिन खेड़ेकर की भूमिका, कैसे है वेटरन एक्टर जयराम इस फिल्म से रिलेटेड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सचिन खेड़ेकर ने बताया कि वो प्रभास और पूजा की आने वाली फिल्म राधे श्याम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। सचिन इसमें कॉलेज डीन की भूमिका निभाते नजर आएंगे। सचिन खेड़ेकर एक भारतीय एक्टर और डायरेक्टर हैं, जो कि हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और गुजराती फिल्मों में काम कर चुके हैं। वो कई सारी फिल्मों में दिखे हैं, और आपको बता दें कि आपका सुरूर, अस्तित्व और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो उनकी सबसे प्रसिद्ध और मशहूर फिल्में हैं। प्रभास इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर हैं। बाहुबली में उनकी भूमिका ने उन्हें मशहूर कर दिया, और इसके बाद अब दर्शकों को प्रभास की फिल्मों से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि वेटरन एक्टर जयराम भी इस फिल्म में नजर आएंगे। जयराम सुब्रमण्यम को जयराम के नाम से जाना जाता है, और वो अक्सर मलयालम और तमिल फिल्मों में दिखते हैं। जयराम ने 200 से भी ऊपर फिल्में की हैं, और वो पद्मश्री, केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स, तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स जैसे अवार्ड्स जीत चुके हैं। जयराम के इस फिल्म में होने की वजह से कई मलयालम ऑडियंस भी इस फिल्म की तरफ आकर्षित होंगे। आपको बता दें कि जयराम कई फिल्मों में विलन की भूमिका निभाते दिखते हैं। आपको आगे बताएं तो इस फिल्म में काम कर रहे सभी कलाकारों की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, और इसमें सारे दिग्गज और मशहूर कलाकार काम कर रहे हैं, और इसी वजह से फिल्म की हिट होने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि मनन भारद्वाज और मिथुन राधे श्याम के हिंदी पार्ट में म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। आपको ये जानकारी भी दें कि मिथुन बहुत फेमस हैं, उनके संगीत के कई फैंस हैं। उन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड, आशिकी 2 और कबीर सिंह जैसी फिल्मों का म्यूजिक भी कंपोज किया है, और उन्हें रिकॉग्निशन मिला था आशिकी 2 के मशहूर सॉन्ग तुम ही हो से। लोग मिथुन को इतना चाहते हैं कि कई बार तो बस फिल्म में उनका गाना होने की वजह से ही वो फिल्म को देखने चले जाते हैं। मिथुन के सारे गाने अक्सर रोमांटिक होते हैं, प्यार पर और प्यार में मिले वाले दर्द से जुड़े होते हैं, और इसलिए आज की यंग जनरेशन और रोमांटिक ऑडियंस उनके गाने से खुद को जोड़ पाती है। उनके गानों में अक्सर एक कशिश होती है जो दर्शकों को उनके गाने से जोड़ देती है। क्या आपको लगता है कि जयराम के इस फिल्म में होने की वजह से फिल्म की तरफ दर्शक आकर्षित होंगे, कमेंट करें। शाम की बात करते हैं जिसमें पूजा हेगड़े और प्रभास नजर आने वाले हैं, इसकी कई झलकियां हमारे सामने आ चुकी है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा कर रख दिया है। और ये फिल्म जो है इसका शूट अभी हैदराबाद में चल रहा है, और अगले साल तक इसे रिलीज किए जाने का प्लान है। और दोस्तों, प्यार की बात हो रही है, रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो रिलेशनशिप में इंटिमेसी के क्या महत्वपूर्ण है ये हम आपको बताने वाले हैं। रिलेशनशिप में इंटिमेसी को लेकर यूरोपीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने गैर यौन तरीके से कई कपल्स के रिश्तों को परखा है और समझा है कि इंटिमेसी होने से रिलेशनशिप में क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर वन, ये कि एक दूसरे को समझने में आपको मदद मिलती है अगर आपके रिलेशनशिप में इंटिमेसी है।
रिलेशनशिप में इंटीमेसी लाने से आप अपने साथी को और भी करीब से समझ सकते हैं। आप भविष्य की योजनाओं के साथ साथ बीते कल की भी बातें उनके साथ साझा करने में खुशी महसूस करते हैं। हर इंसान का रवैया और व्यवहार अलग अलग हो सकता है। रिलेशनशिप में इंटीमेसी के जरिए आप दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को और भी करीब से समझ सकते और सीख सकते हैं। इसके बाद जो भी दोनों की एक दूसरे की इच्छाएं होती हैं, आशंकाएं होती हैं, वो सब आप अच्छे से महसूस करते हैं क्योंकि आप और भी करीब आ जा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपका भरोसा बढ़ जाता है। शारीरिक इंटीमेसी किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है। हालांकि इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सेक्स करना है। शारीरिक इंटीमेसी के लिए आप साथी का हाथ पकड़ सकते हैं, उसे किस कर सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने साथी पर अपार भरोसा कर पाते हैं और ये आपके रिलेशनशिप को मजबूत करता है। तीसरी चीज़, रिलेशनशिप में इंटीमेसी आने से साथी एक दूसरे पर निर्भर होने लगते हैं। एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर होना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक ये आपस में प्यार भी बढ़ा सकता है। जैसे कि आपको रात में क्या खाना है, कहाँ घूमना है, फिर आपको अपने फैसले कैसे लेने चाहिए, इसके बारे में आप अपने साथी पर निर्भर हो सकते हैं, जो कि भावात्मक रूप से भी आपको मजबूत बनाता है आपके रिलेशनशिप को। तीसरी चीज़ ये कि किसी भी रिश्ते में एक दूसरे की परवाह करने लगते हैं आप, सबसे अहम हो जाता है ये। एक दूसरे के लिए फिक्रमंद हो जाते हैं, किसी भी रिश्ते को शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। और एक दूसरे की देखभाल के ज़रिए बिना सेक्स किए भी एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है, साथ ही खुद को एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस किया जा सकता है। तो ये है इंटीमेसी के फ़ायदे, जो कि शोधकर्ताओं ने शोध करके ये सारी बातें निकाली, आपने भी महसूस देखेगा। तो दोस्तों, राधे श्याम यूरोप में स्थापित एक महाकाव्यात्मक कहानी है और वर्तमान में प्रभास और पूजा हेगड़े इसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं इटली में। ये फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होने वाली है। मेकर्स ने एक खूबसूरत सा मोशन पोस्टर भी रिलीज किया था। ये एक रहस्यमय दिखने वाले जंगल के बीच से शुरू होता है, जहां बीच में एक बस, एक सिंगल ट्रेन ट्रैक दिखता है। इसमें रोमियो जूलियट, लैला मजनू, देवदास पार्वती और आखिर में राधे श्याम की लव स्टोरी की झलक दिखाई गई है और लोगों को इतना पसंद आया कि चंद घंटों में भयंकर वायरल हो गया। फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि हमें हमेशा जो रोमांटिक फिल्में होती है, प्यार की कहानियां दिखाती हैं, बड़ा मजा आता है ऐसी फिल्मों को देखने में। तो चलिए, प्यार से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें आपको बताती हूँ। सच्चा प्यार समर्पण की भावना रखता है दोस्तों। जो सच्चा प्यार करते हैं वो पार्टनर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पार्टनर की खुशी के लिए वो कोई भी तकलीफ उठाने को हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं जो लोग मतलब का रिश्ता रखते हैं, उनके लिए त्याग की भावना कोई मायने नहीं रखते। ज्यादातर स्कूल के दिनों, कॉलेज के शुरुआती दिनों और फिर बाली उम्र में होता है पहला प्यार। प्यार की समझ हमें तब आती है जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं, यानी कि जब हमारी उम्र 14 से 16 साल की होती है। और एक दिन वो दिखाई न दे तो आपके दिल में अनेक अशुभ बातें चलने लग जाती हैं, दिल में बुरी तरह से घबराहट होने लग जाती है। तो अगर आपको प्यार हुआ हो तो ये चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी, जैसे कि उसके बिना जिंदगी निरस, फालतू, बकवास और आधी अधूरी लगने लगती है। किसी को फोन करते समय भूल से उसका नंबर डायल हो जाता है, ये तो बहुत बार हुआ होगा आपके साथ। मोबाइल की घंटी बजने या मिस्ड कॉल आने पर ऐसा लगता है कि उसी का कॉल होगा। फोन पर घंटे बातें करने के बावजूद भी दिल नहीं मानता और बात करने की इच्छा बस होती रहती है कि बातें करते रहें। रोमांटिक फिल्म में हीरो की जगह आप खुद को रख देते हैं और हीरोइन की जगह उसको रख लेते हैं। आपको भूख कम नहीं लगती है और भूख नहीं लगती मतलब कम लगती है और खाने पीने की सुध नहीं रहती। पत्र पत्रिकाओं में राजनीति, सामाजिक, करियर आदि की खबरों को छोड़कर आप फैशन, फिटनेस, ब्यूटी टिप्स, माई फर्स्ट लव, लव टिप्स आदि पढ़ने लग जाते हैं, इनको पसंद करने लग जाते हैं। अखबार में पहली उसकी और फिर अपनी राशि चेक करने लग जाते हैं। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भले याद हो ना हो, लेकिन उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी पूरी फैमिली का बायोडाटा आपको जुबानी याद होता है। गजलें और दर्द भरे गीत आप बड़े ध्यान से सुनते हैं, दूसरों को भी सुनने की सलाह देते हैं। गजल, शेर व शायरी पर लंबा लेक्चर देने लगते हैं, मानो उसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो। खुद में जादू की शक्ति संचार हो जाने की कल्पना करें, आपको ऐसा लगने लगे कि आप खुद गायब होकर कुछ पलों में कहीं से कहीं पहुंच जाए। अपने कंप्यूटर का पासवर्ड का नाम और कोड भी यही रख लेते हैं, मतलब उसका नाम रख लेते हैं। जब भी वो उठकर कहीं जाए
तो आपकी निगाहें उसका पीछा करने लग जाती है। उसके पास श्याम को जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा, क्यों इस फिल्म का पोस्टपोनमेंट प्रभास के लिए अच्छी खबर नहीं लाएगी। 2021, 2022, 2023 और 2024 प्रभास के लिए एक बहुत ही बिजी पीरियड होने वाला है। इन सालों में आप प्रभास से एक मूवी और एक अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रभास 2000s में तेलुगु सिनेमा में आए और वहाँ पे अपने यूनिक स्टाइल और स्वैग से सबका मन मोह लिया। श्रेया सरन, काजल अग्रवाल, तमन्ना भाटिया और अनुष्का शेट्टी जैसे टॉप एक्ट्रेसेस के साथ पॉपुलैरिटी पाने के बाद प्रभास ने 2015 में पूरे देश को अपने महेंद्र बाहुबली किरदार के साथ मोहित कर लिया। किरदार का प्रभाव कितना था देश और समाज पर, इसके लिए हमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कुछ सालों पहले तक प्रभास के लिए कितना ज्यादा क्रेज था। फिर मानो जैसे प्रभास छिप के चले गए और फिर कुछ सालों बाद साहो के साथ वापसी की फिल्मों में। फिल्म के लिए एक्साइटमेंट थी मगर फिल्म हुई फ्लॉप और अभी प्रभास से एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो जल्दी कुछ खास और खूबसूरत लोगों के लिए ला पाए जिससे उनकी फैन फॉलोइंग फिर से सख्त हो सकती है। अभी प्रभास की लाइनअप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सवाल आ रहा है कि कोविड के होते हुए क्या लोग ये फिल्म देखने जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली प्रभास की फिल्म्स तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली नहीं है और साउथ के एक्टर्स ने पेंडेमिक के समय में भी थिएटर्स तक ऑडियंस को बुलाकर दिखा दिया। मास्टर, जतिरत्नालू, उपेन्ना, कर्णन, वकील साहब कुछ फिल्में थी जो पेंडेमिक के बावजूद साउथ मार्केट में बहुत अच्छी तरह से चली। अब ऐसे में अगर प्रभास ओटीटी पर रिलीज करेंगे तो रिस्क बहुत है और फिल्म राधे श्याम को अगर पोस्टपोन भी किया जाए तो भी खतरा है, क्योंकि सूर्यवंशी, 83, तलाईवी जैसी कई फिल्में थिएटर्स पर आने के लिए लाइन में खड़ी है, तो लेट होने से कंपटीशन बहुत स्टिफ हो सकता है। इसलिए प्रभास को राधे श्याम को जुलाई 30 पर ही रिलीज कर देना चाहिए और अगर जुलाई 30 को रिलीज हो जाती है फिल्म तो उसके साथ साथ प्रभास की किस्मत भी अच्छी रहेगी, क्योंकि प्रभास की फ्यूचर लाइनअप बहुत अच्छी है। अगर 2021 में राधे श्याम और आदि पुरुष आती है, 2022 में सालार और 2023 में नाग अश्विन की फिल्म और सिद्धार्थ आनंद के साथ कटरीना के अपोजिट फिल्म, तो अगर राधे श्याम पोस्टपोन होती है तो भी उसको प्रभास की अन्य फिल्मों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा जो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए ठीक होगा कि प्रभास अगर फिल्म को 30 जुलाई पर ही रिलीज कर डाले, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी फिल्मों का बॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड कॉम्पिटिशन नहीं होगा बल्कि बॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड ही होगा कॉम्पिटिशन, और प्रभास की फैन फॉलोइंग से राधे श्याम रिकवरी अमाउंट तो कलेक्ट कर ही लेगी। प्रभास और पूजा हेगड़े की अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा जल्द ही हमें बड़े स्क्रीन पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लंबे अरसे से इंतजार के बाद फैंस को ये खुशी हासिल हुई। राधे श्याम की शूटिंग मुख्य तौर पर यूरोप के 1970s वाले सेट के तर्ज पर हुई है। इसकी स्क्रिप्ट लिखी है राधा कृष्णा ने। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ पहली बार प्रभास के ऑपोजिट नजर आएंगी पूजा हेगड़े। तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल मचाती है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। वहीं फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो इसका हिंदी वर्जन के सॉन्ग्स को कंपोज किया है मिथुन और मनन भारद्वाज ने। राधे श्याम को लेकर प्रभास और पूजा हेगड़े के फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और लंबे अरसे के इंतजार के बाद अब हमें ये फिल्म जल्द ही सिनेमा घरों में दिखेगी। सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चला है कि फिल्म को 30 जुलाई 2021 को थिएटर में रिलीज किया जा सकता है। पूजा हेगड़े के ऑपोजिट नजर आने वाले हैं साउथ के मशहूर सुपरस्टार हमारे बाहुबली यानी प्रभास। दोस्तों, प्रभास का क्रेज ऐसा है कि वो हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जाता है, स्पेशली लड़कियों के दिल में। बाहुबली के बाद से ही प्रभास नेशनल क्रश बन गए हैं और हर दिन उनकी कोई ना कोई खबर सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती रहती। वेल, हमारे लिए ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है कि पहली बार प्रभास और पूजा हेगड़े एक दूसरे के ऑपोजिट नजर आएंगे और एक दूसरे के साथ बड़े स्क्रीन पर रोमांस करते हुए दिखेंगे। राधे श्याम की बात करें तो ये 1960 से 70 में बसे यूरोप की एक लव स्टोरी ड्रामा है। सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर मिली है कि इस फिल्म में पूजा हेगड़े ट्विन सिस्टर की भूमिका में नजर आएंगी और इन दोनों बहनों को प्रभास से प्यार हो जाता है
एट द एंड इन दोनों में से किसी एक को अपने प्यार का सैक्रिफाइस देना पड़ता है। वेल, आगे की स्टोरी क्या है और प्रभास किस किरदार में नजर आने वाले हैं, ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिल्म की स्टोरी लाइन तो काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक र्यूमर भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक फिल्म की यूनिट की तरफ से स्टोरी लाइन की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। तो अटकलों से दूर रहें और आने वाले दिनों में खुद थिएटर में जाके देखें कि फिल्म की स्टोरी क्या है, इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है। फिल्म की मुख्य स्टोरी लाइन एस्ट्रोलॉजी और साइंस के कंपैरिजन पर बेस्ड है। आपको बता दे, इस फिल्म में प्रभास और पूजा हेगड़े के अलावा और भी कई नामी चेहरे देखने को मिलेंगे। बीते वैलेंटाइंस डे को फिल्म का पहला टीजर भी जारी किया गया। हमें ये जानकारी भी हाथ लगी है कि इस फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जा सकता है। फिलहाल फिल्म मलयालम, तेलुगु और तमिल, साथ ही हिंदी में रिलीज की जाएगी। वैलेंटाइंस डे के मौके पर फिल्म का पहला टीजर भी जारी किया और जैसे ही टीजर लॉन्च हुआ, सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। इस टीजर में प्रभास एक ट्रेन में जंप करते हुए नजर आ रहे हैं और फिर एंट्री होती है पूजा हेगड़े की और पूजा हेगड़े उनसे पूछती हैं कि क्या तुम अपने आप को रोमियो समझते हो, तो उसका जवाब प्रभास देते हैं, नहीं मैं रोमियो के जैसा नहीं हूँ, वो प्यार की खातिर मर गया लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। वेल, टीजर तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, फिल्म कैसी होती है ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। जितने भी मूवी प्रेमी हैं वो सब इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि स्टोरी लाइन से लेकर फिल्म का टीजर काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। तो दोस्तों, हमारा लंबा इंतजार अब बस कुछ ही महीनों में खत्म होने वाला है। हम जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों कलाकारों को एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और देश भर के चहेते बाहुबली स्टार प्रभास ने आज वैलेंटाइन डे के मौके पर अपने फैंस को जबरदस्त सरप्राइज दिया है। प्रभास ने सुबह अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे श्याम का नया टीजर रिलीज किया है, जिसके साथ ही उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। फिल्म का टीजर सामने आ चुका है और वैलेंटाइन डे पर प्रभास ने फैंस को एक खास तोहफा दिया है। दोस्तों, बहुत सुना है कि प्यार में लोग अक्सर हवा में उड़ने लगते हैं और इस टीजर में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा है कि प्रभास भी प्यार में उछल कूद कर रहे हैं। वेल, प्यार मोहब्बत है ही चीज ऐसी कुछ। दोस्तों, फिल्म का टीजर शुरू होता है ट्रेन और रेलवे स्टेशन से। टीजर में प्रभास बहुत डैशिंग दिख रहे हैं, ब्लैक टी शर्ट, येलो जैकेट और गले में ग्रे मफलर। तो वहीं पूजा हेगड़े की ड्रेस और उनकी खूबसूरती, ओ हो हो, मतलब कि फिरंगी उनके सामने चाय कम पानी लग रही है। उन्होंने टीजर में ब्लू ड्रेस पहनी है और वो सभी को मात दे रही हैं। दोनों के लुक का कोई जवाब नहीं है। इस टीजर को देख फिल्म राधे श्याम की कहानी का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। फिल्म का छोटा सा टीजर लोगों के दिलों में प्यार का एहसास जगाने वाला है। रेलवे स्टेशन पर इटालियन में पहले प्रभास अपनी प्रेमिका पूजा हेगड़े को कुछ कहते नजर आते हैं और उसके बाद दोनों के बीच एक डायलॉग है जहाँ पूजा हेगड़े पूछती है प्रभास से, अपने आप को रोमियो समझते हो? इस पर प्रभास जवाब देते हुए कहते, नहीं, उसने प्यार के लिए जान दी थी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। टीजर देखकर तो लग रहा है कि ये एक रोमांटिक लव स्टोरी है, लेकिन इस एक डायलॉग ने सस्पेंस बना दिया है। फैंस इस टीजर को काफी पसंद कर रहे हैं और क्योंकि देखा जाए तो कुछ वैसा ही ड्रेसअप, लोकेशन, ट्रेन हमें टीजर में देखने को मिला। वीर के बारे में बता दूं कि वो बॉलीवुड की मूवी थी जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और उनके भाई सुहेल खान लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म पीरियोडिक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी। दोस्तों, टीजर के साथ ही बताया गया कि ये फिल्म सिनेमा घरों में 30 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म को लेकर दोस्तों बहुत जबरदस्त बज बना हुआ है। टीजर रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर हैशटैग वैलेंटाइन डे विद आरएस ट्रेंड करने लगा। दोस्तों, टीजर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। वेल, आपको इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। पूजा हेगड़े से रिलेट करता हुआ होगा राधे श्याम फिल्म का क्लाइमैक्स।
क्या हमेशा के लिए हो जाएगा राधे और श्याम का मिलन, या कहानी में है कोई नया ट्विस्ट? राधे श्याम फिल्म से कम बैक कर रही एक्ट्रेस भाग्यश्री का आखिर किस तरह से किया प्रभास ने स्वागत? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चहेते यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियो से एक फ्रेश नए वीडियो में मेरे यानी श्रुति के साथ, जहां आपको मिलेंगी फिल्मी जगत से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कंट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स। आजकल का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है प्रभास और पूजा हेगड़े स्टार फिल्म राधे श्याम। इस फिल्म को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। फिल्म की लोकेशन, रिलीज स्टोरी, टीजर, पोस्टर्स और स्टार्स के लुक्स फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। राधे श्याम फिल्म को जुलाई 31, 2021 को रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से फिल्म का मेजर पार्ट अभी भी शूट होना बाकी है, जिस वजह से फिल्म की रिलीज डेट को एक्सटेंड करना पड़ा और इस एक्सटेंशन के कारण फैंस काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड तो थे, लेकिन साथ ही साथ उनकी फिल्म को लेकर क्यूरियोसिटी भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इस फिल्म को देखने का सब्र उनसे नहीं हो रहा है। राधे श्याम फिल्म को मिड सेंचुरी यूरोप में सेट किया गया है। ये एक पीरियड रोमांस ड्रामा होने वाली है, जो कि पूरे तरीके से एक विंटेज क्यूट लव स्टोरी दिखाई जाएगी। बात करें फिल्म में प्रभास और पूजा हेगड़े के रोल के बारे में, तो प्रभास जहां राधे श्याम फिल्म में फॉर्च्यून टेलर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, वहीं पूजा हेगड़े एक प्रिंसेस के रोल में नजर आ सकती है। फिल्म को पूरी तरीके से यूरोपियन स्टाइल में सेट किया गया है। इस फिल्म की शूटिंग इटली और जॉर्जिया जैसी यूरोपियन कंट्रीज में हुई है, लेकिन बावजूद इसके पूजा और प्रभास दोनों ही इंडियन सेलिब्रिटीज प्ले करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में प्रभास का नाम विक्रमादित्य होगा और पूजा का नाम होगा प्रेरणा। रोमियो जूलियट, अनारकली और सलीम की अमर प्रेम कथाओं जैसी एक प्यारी सी लव स्टोरी प्रभास और पूजा हेगड़े की भी दिखाई जाएगी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि रोमियो जूलियट और अनारकली सलीम की कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। अंत में ये दो लवर्स एक दूसरे से जुदा हो जाते थे, लेकिन इनकी लव स्टोरीज आज भी सब लोग याद रखते हैं। तो क्या ऐसा ही कुछ होगा प्रेरणा और विक्रमादित्य के साथ? हर फिल्म में एक क्लाइमैक्स सीन होता है, जिसमें फिल्म की पूरी कहानी एकदम से बदल जाती है। या तो हीरो हीरोइन एक हो जाते हैं, या एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा। इस बार भी खबरें आ रही हैं कि फिल्म के क्लाइमैक्स में पूजा हेगड़े की कैरेक्टर की फिल्म में डेथ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म के काफी ज्यादा इमोशनल सीन होगा। अब सवाल ये बनता है कि आखिर पूजा हेगड़े की डेथ किस तरह से होगी? क्या पुराने जमाने की लव स्टोरी की तरह प्रिंसेस प्रेरणा का प्यार एक फॉर्च्यून टेलर के साथ होगा, या उनके परिवार वालों को मंजूर नहीं था इसलिए दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए, जिस वजह से प्रेरणा ने खुदकुशी कर ली होगी, या फिर कोई बहुत बड़ा लड़ाई होती है जिसका प्रेरणा शिकार हो जाती है, या कोई एक्सीडेंट? ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जो कि ऑडियंस के मन में जगह बना रहे हैं इस क्लाइमैक्स सीन को लेकर। जहां पूजा हेगड़े फिल्म की हीरोइन है, वही फिल्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस निभाने वाली है। इस एक्ट्रेस का नाम है भाग्यश्री। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया में भाग्यश्री का रोल देखा गया था और उनका किरदार काफी ज्यादा पसंद भी किया गया था। भाग्यश्री उस टाइम की मोस्ट पॉपुलर हीरोइन में से भी एक थी, लेकिन बाद में उन्होंने शादी कर ली और फिल्मों में आने बंद कर दिया। अब राधे श्याम फिल्म के जरिए भाग्यश्री बॉलीवुड में वापस अपना कमबैक कर रही है। देखना अब भी काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरह के अंदाज में भाग्यश्री नजर आती है। मैंने प्यार किया फिल्म में भाग्यश्री को काफी सादा और सिंपल इनोसेंट गर्ल के लुक में देखा गया था। क्या इस बार भाग्यश्री की यही इमेज बनी रहेगी, या फिर उनके कैरेक्टर में एक ट्विस्ट रहेगा? फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद में जब भाग्यश्री ने सेट को ज्वाइन किया, तो प्रभास ने उनका वेलकम काफी स्वीट जेस्चर के साथ किया। प्रभास के साथ जो भी हीरोइन काम करती है, हर कोई उनके नेचर की जमकर तारीफ करता है और उनके नेचर का दीवाना हो जाता है। राधे श्याम फिल्म में एक मेन रोल निभाने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री ने भी प्रभास की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि जब सेट पर उन्होंने पहली बार ज्वाइन किया था, तो उनका स्वागत प्रभास ने पुत्र कुलु स्वीट्स के बॉक्स के साथ किया, जो कि काफी ज्यादा डेलिशियस थे। उनको ये स्वीट्स बहुत पसंद आए। जब भाग्यश्री ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें ये वाले स्वीट्स और मिल सकते हैं, तो प्रभास ने दोबारा से फिल्म के फाइनल स्केड्यूल में, जो कि हैदराबाद में शूट हुआ था, तब कई सारे पुत्र कुलु स्वीट्स के बॉक्स के साथ उन्हें वापस सरप्राइज कर दिया। भाग्यश्री उनके जेस्चर की और प्रभास की ह्यूमैनिटी की दीवानी हो गई। उन्होंने कहा कि एक प्रभास सुपरस्टार होने के बावजूद भी काफी हम्बल और डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ पर्सन है। प्रभास के स्वीट जेस्चर, पूजा हेगड़े की पॉपुलैरिटी और भाग्यश्री का कमबैक फिल्म को एक मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म बनाता है। आखिर क्या प्रभास के आने से मंडरा रहा है बॉलीवुड पर खतरा? एक के बाद एक
कितने फिल्मों में काम कर रहे हैं प्रभास, राधे श्याम से लेकर आदि पुरुष तक क्या हैं प्रभास के किरदारों की विशेषता। दोस्तों नमस्ते सलाम, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारी अपकमिंग मूवी राधे श्याम के लीड एक्टर यानी कि प्रभास के बारे में, जो बाहुबली फ्रेंचाइज में इतने फेमस हो गए थे कि अब हर कोई उनकी फिल्म में एंट्री से थर थर कांपने लगता है। अरे दोस्तों इसलिए नहीं कि वो बाहुबली है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि हर डायरेक्टर उनको अपनी फिल्म में लेना चाहते। अब तक अगर प्रभास की आने वाली फिल्मों की बात करें तो ओम राउत की फिल्म में प्रभास भगवान श्री राम के और सैफ अली खान लंकेश के किरदार में नजर आएंगे। इतने विवादों के बाद आखिर फिल्म की तैयारियां शुरू हो ही गई हैं। फिल्म के मोशन कैप्चर के साथ इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर सैफ अली खान और प्रभास की फिल्म आदि पुरुष की जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से ये फिल्म सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। ऐसे में अब प्रभास इस फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आ चुके हैं, जहां बताया जा रहा है कि 1 मार्च से इस फिल्म की शूटिंग मुंबई की फिल्म सिटी में शुरू हो गई है, जहां प्रभास को आज मुंबई में स्पॉट किया गया था। इस दौरान एक्टर पर्पल कलर की टी शर्ट में नजर आए थे। इससे पहले साउथ के मशहूर एक्टर विजय भी मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्होंने अनन्या पांडे के साथ अपनी फिल्म लाइगर की शूटिंग शुरू करनी थी। आपको बता दें कि बाहुबली स्टार प्रभास को हाल ही में मुंबई के बांद्रा कुलरा कॉम्प्लेक्स के बाहर स्पॉट किया गया था, जहां प्रभास की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। कथित तौर पर वो अपनी आगामी फिल्म यानी कि आदि पुरुष के लिए थोड़ा और वजन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ फिल्म सालार में प्रभास एक्शन मोड में दिखने वाले हैं। प्रभास की अलग अलग मूवी की तरह सालार भी एक बिग बजट मूवी होने वाली है, जिसका इंतजार प्रभास के फैंस काफी बेसब्री से कर रहे हैं। एक्शन मोड और भक्ति मोड से बिल्कुल अलग किरदार प्रभास अपनी आने वाली मूवी यानी कि राधे श्याम में निभाने वाले हैं, जिसमें वो एक रोमांटिक बॉय के रूप में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में पूजा हेगड़े प्रभास के साथ दिखने वाली हैं। फिल्म का टीजर 14 फरवरी को रिलीज हुआ था, जिसने सब लोगों को अपना दीवाना कर लिया था। लोग अब बड़ी स्क्रीन पर प्रभास को रोमांस करते देखना चाहते हैं। उसके लिए भी अब फिल्म की रिलीज डेट आ गई है, यानी कि फिल्म 30 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली है। ये एक बिग बजट फिल्म होने वाली है, जो कि प्रभास के कपड़ों पर खर्च हुए करोड़ों रुपए से पता चलता है। अब देखना ये होगा कि प्रभास की राधे श्याम आदि पुरुष या सलार स्क्रीन पर क्या कमाल दिखाती है। 2021 की मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म राधे श्याम विद द मोस्ट लव्ड स्टार्स इज ऑल सेट टू रिलीज। लेकिन 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 कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को प्लान शेड्यूल के हिसाब से इस साल जुलाई के महीने में रिलीज करने का फाइनल किया गया था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक की सेकेंड वेव की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ा और अब वापस से फिल्म के फाइनल शेड्यूल को हैदराबाद में शूट किया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, जिस वजह से राधे श्याम फिल्म की रिलीज को एक्सटेंड करना पड़ रहा है। हाई चांसेस है कि फिल्म इस साल के अंत तक रिलीज हो सकती है। फिल्म एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा होने वाली है, जिसमें पूजा हेगड़े और प्रभास पहली बार साथ में काम करते हुए नजर आएंगे। प्रभास ऑलरेडी एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जिन्हें साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री दोनों ही काफी अप्रिशिएट करती है। लेकिन प्रभास के साथ काम कर रही पूजा हेगड़े भी आजकल फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट वांटेड एक्ट्रेस बनती जा रही है। जी हाँ, पूजा हेगड़े इनिशियली तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस है, लेकिन बॉलीवुड में भी उनकी कुछ फिल्में रिलीज हुई हैं। पूजा हेगड़े को कई सारी फिल्मों के ऑफर्स आते रहते हैं। हिंदी, तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री की अपकमिंग फिल्मों के साथ पूजा हेगड़े का शेड्यूल 2 साल तक पूरा पैक्ड है। राधे श्याम के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्म्स मोस्ट एलिजिबल बैचलर, आचार्य, सर्कस, बीस्ट और भाईजान जैसी कई फिल्में लाइन अप है। अगर राधे श्याम को जिस लेवल का एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर फिल्म उतनी ही बड़ी मेगा ब्लॉकबस्टर हिट होती है तो पूजा हेगड़े इस फिल्म के बाद काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगी। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से पूजा को कई सारी फिल्मों के ऑफर्स आ रहे हैं और कई सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में उनकी फिल्में भी जल्द ही आने वाली है। पूजा हेगड़े की एक्टिंग स्किल्स और टैलेंट की वजह से ही वो फैंस के बीच इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। वही मोस्ट लव्ड एंड अप्रिशिएटेड एक्टर इन द एंटायर इंडस्ट्री प्रभास भी कुछ कम नहीं है।
जहां बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक हर कोई उनकी एक्टिंग और नेचर की जमकर तारीफ करता है और हमेशा ही जो भी एक्टर या एक्ट्रेस उनके साथ काम करते हैं उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं इस बार प्रभास को भी अपनी एक्टिंग और नेचर से इम्प्रेस कर चुकी है पूजा हेगड़े। जी हाँ दोस्तों, प्रभास ने रिसेंटली अपनी टीम के कुछ मेंबर्स के साथ अपनी फिल्म राधेश्याम की कॉपी देखी। फिल्म की कॉपी देखने के बाद पूजा हेगड़े की एक्टिंग से प्रभास काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए। फिल्म में पूजा हेगड़े का जो पोर्शन है वो काफी ब्रिलियंट नजर आया है, जिसके बाद प्रभास ने पूजा हेगड़े की एक्टिंग और ऑसम परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की। खबरें आ रही है कि शायद प्रभास उनकी एक्टिंग से और उनके किरदार से पूजा हेगड़े के दीवाने हो गए हैं। लगता है फिल्म की ये ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जल्दी ऑफ स्क्रीन भी एक जोड़ी बनती नजर आ सकती है। तो दोस्तों, कैसी रहेगी प्रभास और पूजा की ऑफ स्क्रीन जोड़ी? अब क्या राधेश्याम में देखने को मिलेगा अभिनेत्री पूजा हेगड़े का डबल रोल? किस वजह से इटली में शूट करते वक्त मुश्किलें झेलनी पड़ी थी इस टीम को? कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ काम करने के लिए खबरों में छाए थे प्रभास? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास की करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। उन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। प्रभास की हर फिल्म करोड़ों का बिजनेस करती है। ऐसे में दर्शकों को उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहता है। उनकी जल्द ही फिल्म राधेश्याम आने वाली है। ऐसे में नवरात्रि व गुड़ी पड़वा के खास मौके पर एक्टर ने राधेश्याम फिल्म का अपना नया पोस्टर शेयर किया था। तो दोस्तों, अभी सनसनी ने फिल्मी गलियारों में खलबली मचाई ही थी कि अदाकारा से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है, जिसके बाद साउथ सिनेमा जगत में काफी हलचल देखी जा रही है। तो दोस्तों, कैटरीना कैफ जल्दी साउथ फिल्म स्टार विजय देवाकोंडा के साथ भी काम करने वाली हैं। बताते दोस्तों कि इससे पहले फिल्म साहो में श्रद्धा कपूर के साथ प्रभास काम कर चुके हैं। साथ ही अपनी आगामी फिल्म आदि पुरुष में अब वो कृति सरन के साथ भी काम करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रभास ने हाल ही में एक फिल्म दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन के साथ भी साइन की है। बता दें कि प्रभास के लिए राधेश्याम फिल्म बेहद खास है। इसमें उनके साथ लीड रोल में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े नजर आएंगी। फिल्म को तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। फिल्म 30 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। हालांकि कोविड के बढ़ते खतरे के बीच मेकर्स अब क्या फैसला लेते हैं ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब तक कई फिल्मों की रिलीज डेट टाल दी गई हैं। एक बार फिर कोरोना तेजी से फैल रहा है। तो दोस्तों, राधेश्याम से जुड़ी कुछ खबरें, तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करते हैं। निर्देशक राधा कृष्ण कुमार द्वारा डायरेक्टेड मूवी राधेश्याम जल्द ही बड़े पर्दे पर आने वाली है। सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगी कि ये फिल्म जो पहले 30 जुलाई को रिलीज हो जानी चाहिए थी वो कोविड से आई सेकेंड वेव की वजह से होल्ड कर दी गई थी। अब फाइनली इसी फिल्म की नेक्स्ट रिलीज डेट सामने आ चुकी है। प्रभास ने खुद न्यू डेट की अनाउंसमेंट अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर की। उन्होंने फैंस को बताया कि फिल्म अगले साल यानी कि 2022 में 14 जनवरी को रिलीज होगी, जो कोइंसाइड करेगी मकर संक्रांति के त्योहार से। तो ये देखना बहुत मजेदार होने वाला है कि प्रभास की ये फेस्टिवल रिलीज क्या रंग लाएगी उनके करियर में। प्रभास ने अपने प्रोफाइल पर फिल्म डेट कंफर्म करते हुए लिखा कि मेरी रोमांटिक सागा को देखने के लिए आप सभी का और इंतजार नहीं कर सकता, जिसकी लेटेस्ट तारीख है 14 जनवरी 2022। सूट बूट पहने डैशिंग अंदाज में राधेश्याम के प्रभास का लुक पोस्टर इन दिनों वायरल हो गया है। बैकग्राउंड में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस भी देखने को मिले हैं, जो मेकर्स द्वारा फिल्म में होने वाली किसी साजिश की ओर पॉइंट करता है। यूं तो ये मूवी पुनर्जन्म के सब्जेक्ट पर बेस्ड है। दोस्तों, इस फिल्म के माध्यम से करीब एक दशक यानी एक डेकेड बाद प्रभास एक रोमांटिक हीरो के किरदार में नजर आने वाले हैं। इसका मतलब तो साफ है कि बाहुबली फ्रेंचाइजी से पहले भी प्रभास रोमांटिक ड्रामास दे चुके हैं, मगर इस वक्त पिछले 10 सालों से उन्हें ऐसी किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते नहीं देखा गया। फैंस ने लंबा वेट किया है उनके इस अंदाज को देखने के लिए। राधेश्याम में पूजा हेगड़े के साथ साथ भाग्यश्री पटवर्धन भी फिल्म में एक अहम भूमिका निभाएंगी। जाहिर ही पोस्टर के बेसिस पे हम ये जान चुके हैं कि प्रभास अभिनेत्री पूजा के ऑपोजिट रोमांस करते दिखने वाले हैं, मगर भाग्यश्री से क्या है फिल्म का रिलेशन और किस अहम किरदार के लिए किया गया था उन्हें साइन? प्रभास की अगली पिक्चर राधेश्याम कब रिलीज होगी? क्या इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है? कि प्रभास एक से बढ़कर एक फिल्मों की लड़ी लगा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक नई और फ्रेश वीडियो में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। टॉलीवुड इंडस्ट्री के डार्लिंग प्रभास फिर आ रहे हैं एक धमाकेदार पिक्चर के साथ। अब भाई ऐसा लग रहा है कि प्रभास एक साथ काफी सारी जबरदस्त फिल्में करने के मूड में है। पहले साहो, फिर इनकी आने वाली पिक्चर सलार और अब राधेश्याम,
ये फिल्म प्रीडोमिनेंटली तेलुगु होने वाली है, लेकिन दोस्तों से हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। प्रभास के फैंडम को मद्देनजर रखते हुए इस फिल्म को हिंदी में रिलीज करने का फैसला भी लिया गया है। डार्लिंग, प्रभास की टॉलीवुड जर्नी को बहुत ही अच्छी है, लेकिन दोस्तों अब राधेश्याम के प्रिंसिपल फोटोग्राफी 6 अक्टूबर 2018 को शुरू हो चुकी थी। उसके बाद मार्च 2022 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन भाई कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इस फिल्म की शूटिंग में रुकावट आई। लेकिन दोस्तों इन सब रुकावटों के बाद भी और पेंडेमिक की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए दिसंबर 2020 में राधेश्याम की शूटिंग फिर से रिज्यूम की गई, जो कि जुलाई 2021 तक चली। फिल्म की शूटिंग फाइनली 28 जुलाई 2021 को खत्म हो चुकी है और दोस्तों उनके मेकर्स ने राधेश्याम की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। राधेश्याम के रिलीज डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ऑडियंस में इस फिल्म के लिए उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगले साल जनवरी में ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर देखने को मिलेगी और दोस्तों प्रभास एक और धमाकेदार फिल्म के साथ हो गए हैं तैयार। भाई वैसे तो प्रभास टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा ही पॉपुलर हो चुके हैं और जब से उन्होंने बाहुबली का किरदार निभाया है तब से तो दोस्तों हमारे डार्लिंग प्रभास पूरे विश्व में फेमस हो चुके हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्रभास साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भी बॉलीवुड में काम करने को काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और दोस्तों इसलिए साहू के साथ शुरुआत हुई जर्नी को वो सलार और राधेश्याम जैसी मूवीज के साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों प्रभास कितने अच्छे एक्टर हैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो बाहुबली ही है और उनकी एक्टिंग वर्सटैलिटी के चर्चे भी इंडस्ट्री में होने लगे हैं। इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के बाद प्रभास दीपिका पादुकोण के साथ भी एक मूवी करने वाले हैं जिसका नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है। अब भाई ऐसा लग रहा है कि प्रभास एक से बढ़कर एक धमाकेदार फिल्मों का बॉम्ब फोड़ने वाले हैं और दोस्तों इस धमाके में फिल्म इंडस्ट्री फूट जाएगी और दोस्तों प्रभास की तारीफों के फूल बढ़ने लगेंगे। दोस्तों प्रभास आ रहे हैं अपनी नई फिल्म राधेश्याम को लेकर जल्द ही सिनेमा घरों में। राधेश्याम जिसको हम पहले प्रभास 20 के नाम से जानते थे, ये होने वाली एक लव स्टोरी बहुत ही रोमांचक फिल्म होगी। तो आइए जानते हैं फिल्म की कहानी, म्यूजिक, बजट, VFX और इस फिल्म से जुड़ी हुई तमाम बातें। प्रभास 20 अगर राधेश्याम की स्टोरी होने वाली है एक इंटेंस लव स्टोरी। हम आपको बता दें कि इस फिल्म में कहा जा रहा है कि बाहुबली और साहू जितनी VFX यूज नहीं की जाएंगी, बल्कि स्क्रिप्ट में ड्रामा पर ज्यादा फोकस रहेगा। हम आपको ये भी बता दें कि वो प्रभास ही हैं जिन्होंने फिल्म में VFX कम रखने की बात करी है। फिल्म मेकर से और स्क्रिप्ट मेकर से ये भी रिक्वेस्ट की है कि स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस लाए जाएं। वैसे प्रभास के पास अभी बैक टू बैक टॉप टायर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जैसे सालार, आदि पुरुष और काफी फिल्म्स। लेकिन हम आपको बता दें कि राधेश्याम में संभावना है प्रभास का कैरेक्टर एक फॉर्च्यून टेलर का हो। इसके साथ ही पूजा हेगड़े जो इस फिल्म की हीरोइन है उनके कैरेक्टर एक राजकुमारी का बताया जा रहा है। फिल्म के टाइटल राधेश्याम से ये गेस किया जा सकता है कि राधा कृष्ण की प्रेम कहानी से इंस्पायर्ड होगी या फिर एक मॉडर्न लव स्टोरी में रूपांतरित किया गया होगा। आपको बता दें कि मेकर्स ने भी कहा है कि ये फिल्म होने वाली एक इंटेंस लव स्टोरी जो 1970s के यूरोप में सेट है। ये फिल्म एक पुनर्जन्म थीम पर बेस्ड है। पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड या रीजनल फिल्म्स पुनर्जन्म जैसे टॉपिक को एक बार फिर एक्सप्लोर कर रही हैं। कुदरत, कर्ज, करण अर्जुन, भूल भुलैया, मगधीरा और बहुत सारे फिल्म्स इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड हो चुकी हैं। शायद प्रभास 20 यानी राधेश्याम में भी हम एक अधूरी लव स्टोरी को अगले जन्म में मुकम्मल होते हुए देख पाएंगे। फिल्म की सेटिंग यूरोप में होने के बावजूद भी फर्स्ट लुक में हमने दोनों लीड्स को इंडियन भाषाओं में यानी हिंदी, तेलुगु, तमिल में बात करते हुए सुना। तो क्या यूरोप में होने के बाद भी फिल्म मेकर्स लीड्स की एथनिसिटी इंडियन ही रख रहे हैं? मगर फर्स्ट लुक में पहने गए उनके कपड़ों से ये नहीं लगता। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा एक एस्पेक्ट है जो जानने में मजा आएगा। राधेश्याम के हिंदी गानों में दो गाने कंपोज करेंगे मिथुन, जिन्होंने आशिकी 2 जैसे मूवीज में भी म्यूजिक कंपोज किया है। एक गाना कंपोज करेंगे मनन भारद्वाज और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के गाने और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज करेंगे जाने माने म्यूजिक कंपोजर जस्टिन प्रभाकरन। हिंदी में लिरिक्स लिखेंगे कुमार और मनोज मुंतशिर और तेलुगु में लिरिक्स लिखेंगे कृष्णकांत। फिल्म के फर्स्ट लुक से ये पता चलता है कि इस फिल्म के गाने बल्लड लाइक स्लो और सॉफ्ट होने वाले हैं। प्रभास 20 के फर्स्ट लुक से ही पता चलता है कि ये फिल्म एक बिग बजट फिल्म है। इस फिल्म की जैसी सिनेमेटोग्राफी शायद ही किसी लिमिटेड बजट फिल्म में करवाई जा सकती है। मनोज परमहंस की खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी और कोटागिरी वेंकटेश्वर राव की एडिटिंग इस फिल्म को एक एस्थेटिक टच देने वाला है। प्रभास 20 का बजट है 350 करोड़ और इटली, जॉर्जिया जैसे एक्सोटिक और एक्सपेंसिव लोकेशंस में हुई है इसकी शूटिंग।
तो ये हो सकता है कि वहां की इंडस्ट्री में भी बॉलीवुड की एंट्री हो जाए। यूरोप में अगर इंडियन सिनेमा पॉपुलर बन जाए तो ये हॉलीवुड से भी एक्सपेंसिव इंडस्ट्री बन जाएगी और तेजी से बढ़ती हुई साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी घमासान टक्कर दे सकती है। इसके साथ साथ इटली से इंडिया के ताल्लुकात बढ़ सकते हैं इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्रभास का ग्लोबल स्टारडम इस फिल्म को एक नई हाइट दे सकता है जो कि इंडियन सिनेमा के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। फैंस हैं इंतजार में इस फिल्म की रिलीज के लिए। तो क्या है बाहुबली प्रभास अपना जादू फिर से दिखा पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फैंस को पूरा यकीन है इस फिल्म में प्रभास छा जाएंगे और ये मूवी एक ग्लोबल हिट बनेगी। राधे श्याम 30 जुलाई 2021 को रिलीज हो सकती है। तो क्या आप हैं तैयार प्रभास 20 का राधे श्याम के लिए? क्या ये 350 करोड़ की लव स्टोरी ऑडियंस पर चला पाएगी अपना जादू? कौन कौन सी लैंग्वेजेस में प्रभास की फिल्म राधे श्याम को रिलीज किया जा सकता है? क्या फिल्म को पैन इंडिया प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश है? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल बॉडीग्राफ स्टूडियोज को, ताकि आगे जब भी कोई अपडेट आए आपके फेवरेट हीरोज के बारे में तो आप सबसे पहले उसे देख पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉडीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, प्रभास इस पीढ़ी के पहले एक्टर होने वाले हैं जिनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ एक देश में ही नहीं बल्कि विश्व के कई स्थानों में भी है। हम बात कर रहे हैं इस पीढ़ी के अभिनेताओं की। पहले भी हमारे देश के कई एक्टर्स की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में रह चुकी है। मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और चाइना में हमारे देश की कई फिल्में लोग थिएटर्स में जाके देखते हैं। रशिया और जापान में भी कुछ सिलेक्टेड एक्टर्स की फिल्में देखी जाती हैं। नेपाल, पाकिस्तान और मोरक्को में भी कुछ ऐसा ही हाल है। जैसा कि कहा जाता है कि रशिया के कई रेस्टोरेंट्स में राज कपूर का मशहूर गाना आवारा हूँ आज भी बजाया जाता है। सिंगर्स और म्यूजिशियंस इस गाने पर लाइव परफॉर्मेंस भी देते हैं और लोग उन रेस्टोरेंट्स में जाते भी हैं। मोरक्को, यूनाइटेड किंगडम जैसी जगहों में शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अमिताभ बच्चन और करीना कपूर की पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है। अमिताभ बच्चन ने लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ द ग्रेट गैट्सबी फिल्म में लीड रोल किया था और करीना कपूर को यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने डिनर पर बुलाया था, मगर शूटिंग कमिटमेंट्स की वजह से करीना ने पोलाइटली मना कर दिया था। सिंगापुर और चाइना में श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित बहुत बड़ी स्टार्स हैं। श्रीदेवी की आखिरी फिल्म मॉम ने इंडिया में 40 करोड़ कमाए थे मगर चाइना में 100 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस किया था। रणवीर सिंह, वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ कई फॉरेन कंट्रीज में अपनी फिल्मों का हाउसफुल शोज दे चुके हैं और देसी गर्ल प्रियंका तो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर ही रही है। एक रिपोर्ट में आया था कि राज कपूर के बाद अगर कोई रशिया में फेमस पॉपुलैरिटी है तो है प्रभास। पूरे विश्व में हॉलीवुड के साथ साथ चाइना, इंडिया और साउथ कोरिया की भी फिल्म इंडस्ट्रीज काफी कामयाबी पर हैं। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के कई सारे लोग इन देशों की फिल्मों को देखते हैं और इसी के लिए इन देशों की साथ साथ इंडियन फिल्मों का भी मार्केट बड़ा है। बाहुबली ने कई देशों में बहुत अच्छा कारोबार किया था। कुल मिलाकर 1600 करोड़ कमाए थे बाहुबली 2 ने। प्रभास ने एक रीजनल फिल्म एक्टर होकर पूरे देश में अपने टैलेंट का लोहा मनवाया था। बाहुबली एक हैवी माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट थी जिसमें प्रभास लीड रोल में थे। ये एक अच्छा रोल था तो अगर उनकी फिल्म राधे श्याम की कहानी के ऊपर उतना ही विश्वास रखा जाए तो उन्हें जरूर इस फिल्म को मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल के साथ साथ हिंदी में और सारे फॉरेन साउथ एशियन लैंग्वेजेस में भी रिलीज करनी चाहिए। जैपनीज, चाइनीज, रशियन और इंग्लिश में रिलीज करने से फायदा हो सकता है क्योंकि इन भाषाओं के लोगों के बीच हमारी फिल्में काफी अच्छा काम करती हैं, उनका मार्केट काफी अच्छा है। इतना अहम रोल हो सकता है म्यूजिक का फिल्म राधे श्याम के लिए। आज तक राधा कृष्ण की लीला को किस तरह से म्यूजिक के जरिए दिखाया गया है बड़े पर्दे पर, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स की फिल्मों के बारे में अपडेट्स डालें तब आप ही वो सबसे पहले जान पाए। दोस्तों, एक सेशन में एक डांस गुरु अपने शिष्य को डांस और म्यूजिक के रिलेशन के बारे में समझा रहे थे। तब वो अपने शिष्यों को समझा रहे थे रिदम और डांस मूवमेंट्स के बीच का रिलेशन। तभी समझाते वक्त उन्होंने पूछा कि बच्चों, डांस का ओरिजिन कहाँ से हुआ है।
कई सारे जवाब आने लगे। एक जवाब था कि डांस का ओरिजिन दरअसल कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नाचते वक्त गोपियों के मूवमेंट से हुआ था। अगर हम सोचे तो हमारी माइथोलॉजी के इतिहास में सबसे पुराना डांस रेफरेंस भी राधा कृष्ण के रास लीला तक का ही जा सकता है। और कृष्ण की कहानी में डांस का इम्पोर्टेंस उनके जीवन के कई सारे इंसिडेंट से देखा गया है। कालिया सांप के सर के ऊपर नाचना जैसे कई सारे इंसिडेंट्स ये साबित करते हैं। कृष्ण के ऊपर बनाए गए कई सारे शोज और फिल्म्स में भी कई बार गाने और नाच दिखाए गए हैं। कोई भी शो या फिल्म उठा लीजिए कृष्ण के रेफरेंस के साथ और इसमें डांस और म्यूजिक तो जबरदस्त होगा ही। यहाँ तक कि जब भी कोई नटखट किरदार हो किसी फिल्म या सीरीज में जिसका नाम अक्सर कान्हा, श्याम, कृष्ण वगैरह ही कुछ रखा जाता है और उसका भी शो या फिल्म में डांस सीक्वेंस कंपलसरी होता है। हेरा फेरी में श्याम नाम से तो सुनील शेट्टी ने भी नाच के दिखाया था, वो सुनील शेट्टी जिन्हें शायद ही हमने डांस करते हुए देखा हो फिल्मों में। सिनेमा के इतिहास में एक पॉपुलर राधा कृष्ण सॉन्ग है 2001 में आई आशुतोष गोवारिकर की ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लगान का, जिसमें एक डांस सीक्वेंस गाना है राधा कैसे न जले। इस गाने को कई सारे सिनेफाइल्स देश की इंटीग्रिटी का एक एग्जांपल मानते हैं। इस गाने को गाया है उदित नारायण और आशला भोसले ने जो धर्म से हिंदू है। गाने को कंपोज एआर रहमान ने किया है जो धर्म से मुसलमान है। गाने के लिरिक्स को जावेद अख्तर ने लिखा है जो अपने आप को एक नास्तिक कहते हैं। और सभी विभिन्न रिलीजन और धर्म के लोगों ने कृष्ण और राधा की रासलीला के लिए इस गाने को बनाया, जिसमें ग्रेसी सिंह और आमिर खान ने परफॉर्म किया। अरे हाँ, गाने में ब्रिटिश कैथोलिक एक्ट्रेस भी तो थी। फिर बाजीराव मस्तानी में मोहे रंगदोलाल, विवाह में राधे कृष्ण जैसे कई सारे गाने मशहूर रहे हैं। और बाद में मॉडर्न टाइम्स में स्टूडेंट ऑफ द ईयर और तेवर में राधा के ऊपर गाने बने हैं। फिर होली के कई सारे गाने बने हैं जैसे होली खेले रघुवीरा, जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर हुए हैं। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि राधे श्याम में भी राधा और कृष्ण के आसपास के ऊपर एक अच्छा म्यूजिक के साथ ही पूरे एल्बम बने। क्या पोस्ट किया पूजा हेगड़े ने फिल्म राधे श्याम के बारे में, कैसा होगा राधे श्याम का म्यूजिक? सुपरस्टार प्रभास और पूजा हेगड़े एक रोमांटिक एंटरटेनर राधे श्याम के लिए साथ काम करें, दोनों की साथ में यह पहली फिल्म है। हाल ही में पूजा हेगड़े ने सोशल मीडिया पर राधे श्याम के टीजर के लिए डबिंग करते हुए फोटो पोस्ट की थी। पूजा के पोस्ट पर हजारों कमेंट्स आए थे। दर्शक फिल्म को लेकर बहुत कुछ जानना चाहते। इसी को लेकर दर्शकों के लिए एक और जानने वाली बात यह है कि वो इसके म्यूजिक के लिए दो म्यूजिक डायरेक्टर्स को लिया गया। दरअसल मेकर्स ने राधे श्याम के लिए 7 वर्जन्स और हिंदी वर्जन्स दोनों के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्ट हुए, ताकि दोनों बेल्ट को ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए। दोनों ने गाने का फील बदल कर अपना एक म्यूजिक दिया। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स की मानो तो मूवी को मेन कास्ट प्रभास और जो हमारी पूजा के लिए दो अलग अलग स्टाइल में गाना कोरियोग्राफ किया गया है। राधे श्याम के निर्माता साउथ और हिंदी दोनों फिल्म प्रेमियों को प्रभावित करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। मलयालम संगीतकार जो है जस्टिन प्रभाकरन ने दक्षिण भारतीय संस्करणों के लिए जो है हमारे स्टॉक एंड बनाए, जबकि बॉलीवुड संगीतकार मिथुन के प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए म्यूजिक दिया है। राधे श्याम कुमार, इस फिल्म पर लगभग 2 साल से काम चल रहा है। निर्माताओं को मई 2020 में शूट कोरोना के कारण शूट रोकना पड़ा, जिसके बाद अब फिल्म की शूटिंग पूरी होने की कगार पर है। फिलहाल निर्माताओं ने जो है वैलेंटाइन डे पर फिल्म को टीजर रिलीज करने का फैसला लिया। राधे श्याम में भाग्यश्री, मुरली शर्मा, कृष्ण राजू, कुणाल राय कपूर संस्थान भी दिखाई देंगे। साथ ही फिल्म के टेक्निकल टीम में मनोज परहंस शामिल हैं और मूवी में म्यूजिक जस्टिन प्रभाकरन का है। इस फिल्म को अप्रैल 2021 में तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। प्रभास के अगले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रशांत नील की फिल्म सालार में नजर आने वाली है। इसके अलावा वो निर्देशक नाग अश्विनी के प्रोजेक्ट में भी काम करेंगे, जिसकी शूटिंग 2021 के दूसरे भाग में शुरू होगी। प्रभास एक 3D फिल्म आदि पुरुष में भी काम कर रहे हैं, जिसमें वो भगवान राम का रोल प्ले करेंगे। राधे श्याम की पहली झलक वैलेंटाइन डे के मौके पर दिखाई देगी। टीजर 14 फरवरी को रिलीज किया गया है, जिसके बाद अब वह इसके 81 लाख से ज्यादा बार देख चुके हैं। काफी पसंद भी किया जा रहा है, लेकिन आपको ये बता दें कि टीजर फिलहाल तेलुगु में ही रिलीज किया गया। क्या पहली बार साथ काम कर रहे पूजा हेगड़े और प्रभास की जोड़ी को पसंद करेंगे दर्शक? अब प्रभास फिर बनेंगे हाईएस्ट पेड एक्टर? अगले फिल्म के लिए कितना फीस लिया है आमिर खान ने? क्या जॉन एब्राहम ने फिर से बढ़ाया अपना फीस? बॉलीवुड की कई बड़े फिल्में अपनी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते फिल्मों के रिलीज में देरी हो रही है। हालांकि अब अक्षय कुमार ने अपनी बिग बजट फिल्म बेल बॉटम को रिलीज करके मेकर्स को एक उम्मीद दे दी है। लेकिन इसी बीच जो चौंकाने की बात है वो है फिल्मों में एक्टर्स द्वारा ली जाए एक बड़ी बड़ी फीस। आइए आज के वीडियो में बात करते हैं फिल्मों और एक्टर्स की फीस के बारे में। मेरे यानी रंजनी के साथ आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज।
सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की, जिनकी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा काफी चर्चाओं में है। अद्वैत चंदन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में करीना कपूर भी अहम रोल में है। वही आमिर फिल्म में एक्टर होने के अलावा एक प्रोड्यूसर भी है और उन्होंने फिल्म से होने वाले प्रॉफिट्स में 70% की हिस्सेदारी की मांग की है, जो देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इसके बाद बात करते हैं सत्यमेव जयते 2 की, जिसमें एक बार फिर जॉन अब्राहम नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ दिव्या कुमार खोसला भी होंगे, जो कई सालों बाद फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जॉन ने इस फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसे मेकर्स ने पूरा करने का वादा भी किया है। उसके बाद सालों से बन रही फिल्म ब्रह्मास्त्र है। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित ये फिल्म रियल लाइफ जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ बनने वाली है। रणबीर ने ये फिल्म 30 करोड़ रुपए में साइन किया है, जबकि आलिया ने 22 करोड़ रुपए में ये फिल्म साइन किया है। वही बात करें अगर किंग शाहरुख खान की, तो उनकी फिल्म पठान की शूटिंग इन दिनों चल रही है, जिसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी है। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद निर्देशित कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म के लिए शाहरुख और मेकर्स की डील 120 करोड़ रुपए के लिए फाइनल हुई है। मानना पड़ेगा शाहरुख खान सचमुच ही बॉलीवुड के किंग है। ये तो बात रही बॉलीवुड की फिल्मों की, लेकिन टॉलीवुड भी अब किसी से पीछे नहीं है। बाहुबली जैसी फिल्मों के लिए जाने वाले प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम इन दिनों काफी ज्यादा चर्चे में है, जो कि राधा कृष्ण कुमार ने निर्देशित किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रभास ने ये फिल्म 80 करोड़ रुपए के लिए साइन किया है, जो टॉलीवुड में किसी भी एक्टर को दी जाने वाली फीस से कई कई ज्यादा है। उसके अलावा फिल्म के टोटल प्रॉफिट्स में उनका 10% का हिस्सेदारी होगा। आखिर क्या रिलेशन है प्रभास का राधे श्याम में उनकी रोमियो की भूमिका के साथ? किस तरह की भूमिका में दिखेंगे प्रभास इस फिल्म में? आगे कौन कौन सी फिल्मों में नजर आएंगे प्रभास? नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, बॉलीग्राज स्टूडियोज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। फिल्म राधे श्याम में प्रभास लगभग एक दशक के बाद रोमांटिक भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की पहली घोषणा के बाद से प्रशंसक पैन इंडिया स्टार प्रभास को फिल्म में खूबसूरत अदाकारा पूजा हेगड़े के संग रोमांस करता देखने के लिए बेहद उत्साहित है। राधे श्याम का निर्देशन राधा कृष्ण कुमार कर रहे हैं और गुलशन कुमार और टी सीरीज द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म यूवी कृष्ण द्वारा निर्मित है। फिल्म में प्रभास और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में है। साउथ के सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम का मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट खूब ही बढ़ा दिया है। पोस्टर में प्रभास और एक्ट्रेस पूजा हेगड़े के अंदाज वाकई कमाल के लग रहे हैं। राधे श्याम का मोशन पोस्टर एक्टर प्रभास ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है, जिसे अभी तक करीब 8 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। खास बात तो ये है कि प्रभास ने फिल्म का मोशन पोस्टर अपने 41st बर्थडे पर साझा किया है, ऐसे में फैंस उन्हें जन्मदिन की भी खूब बधाइयां दे रहे हैं। प्रभास की आने वाली फिल्म राधे श्याम का टीजर रिलीज हो चुका है। यह दिखाता है कि प्रभास प्यार में पड़ा होता है, पर इतना भी नहीं कि अपनी लाइफ दांव पर लगा दे। प्रभास की आने वाली फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर देखकर लगता है कि वह एक एपिक लव स्टोरी होगी और प्रभास इसमें बोलते हैं कि वह कोई रोमियो नहीं है जो कि अपनी जूलियट के लिए मर जाए। टीजर में हमें प्रभास के कैरेक्टर की एक झलक दिखती है और हम उन्हें फिल्म की लीड एक्ट्रेस को बुलाते देख सकते हैं। टीजर के अंत तक पूजा हेगड़े प्रभास से पूछती है कि क्या वो रोमियो है, पर वह बोलते हैं कि वह कोई रोमियो नहीं है जो प्यार के लिए मर जाए। फिल्म में प्रभास हाथ पढ़ने की भूमिका निभाते नजर आएंगे और पूजा हेगड़े इसमें एक म्यूजिकल टीचर की भूमिका निभाते नजर आएंगी। एक्टर ने पहली बार राधे कृष्ण कुमार के साथ टाई अप किया था। प्रभास और भी दो फिल्म्स में नजर आएंगे, इसमें से एक है महामारी और वो भी डायरेक्टर नाग अश्विन के साथ। नाग अश्विन की फिल्म भारतीय साइंस फिक्शन फिल्म होगी। उनके पास और एक बेनाम फिल्म है जिसमें दीपिका पादुकोण भी होंगी। प्रभास आदि पुरुष में भी नजर आएंगे। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए प्रभास ने कहा है कि हर रोल और हर कैरेक्टर एक चैलेंज के साथ आता है, पर ऐसा किरदार निभाना रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत प्राइड की बात है। आदि पुरुष ओम राउत द्वारा निर्देशित होगी और भूषण कुमार द्वारा प्रोड्यूस होगा। इस फिल्म में कीर्ति सुरेश फीमेल लीड रोल की भूमिका में नजर आएंगी, जबकि सैद अली खान इसमें एंटागोनिस्ट की भूमिका में नजर आएंगे। क्या आपको लगता है कि
कि प्रभास अपनी नॉन कमिटमेंट वाले लवर की भूमिका से दर्शकों को इम्प्रेस कर पाएंगे। वैलेंटाइंस डे के दिन प्रभास ने कैसे अपने फैंस को खुश करके रख दिया है, कैसा है राधे श्याम का टीजर और खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जियाल। फाइनली प्रभास की जो मोस्ट अवेटेड फिल्म है राधे श्याम, उसका टीजर रिलीज हो चुका है दोस्तों, और ये खास दिन चुना गया यानी कि वैलेंटाइंस डे आज है, और आज सभी अपने प्यार करने वालों को गिफ्ट देते हैं, प्यार की बातें करते हैं। वैसे साल भर ही प्यार का दिन होता है, लेकिन ये दिन चुना गया क्योंकि ये एक प्यार की महाकाव्यात्मक कहानी है, और इस दिन को इसीलिए चुना गया, इसीलिए टीजर रिलीज किया गया जो कि जमकर ट्रेंड कर रहा है। इस बार के सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं #valentinesvithrs के # ट्रेंड कर रहे हैं। इसके साथ फैंस प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म की इस टीजर पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रभास के इस लुक को बहुत सराहा जा रहा है क्योंकि प्रभास बहुत टाइम बाद अपने रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। इस टीजर के जारी होने के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है, 30 जुलाई 2021 का वो दिन होगा जब ये फिल्म हमें सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएगी और ये फ्रेश जोड़ी दिखेगी। वहीं आपको बता दें, प्रभास के ड्रीमी पोस्टर के बाद फैंस को इस टीजर का बेसब्री से इंतजार था। टीजर में एक और जहां प्रभास बहुत ज्यादा डैशिंग नजर आ रहे हैं, वहीं पूजा भी खूबसूरती पर सबको मात देती हुई नजर आ रही है। पूजा हेगड़े वाकई बहुत सुंदर लग रही है, उनका ब्लू कलर का ड्रेस है, फूल बने हुए उसमें फ्लोरल प्रिंट है, और साथ ही उनकी हेयर स्टाइल वाकई काबिल तारीफ है। राधे श्याम के टीजर की शुरुआत की बात करें तो एक ट्रेन और रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है। इसके बाद पूजा प्रभास से पूछती है, अपने आप को क्या रोमियो समझते हो? इस पर प्रभास जवाब देते हुए कहते हैं, उसने प्यार के लिए अपनी जान दे दी थी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। बता दें कि फैंस इस टीजर को काफी पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। राधे श्याम को इस दशक की सबसे बड़ी प्रेम कहानी बताया जा रहा है दोस्तों, और इसीलिए मोशन पोस्टर में भी आपने देखा होगा हीर रैला मजनू और इन सबको दिखाया गया। उसके बाद राधे श्याम की एंट्री हुई तो वाकई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, और बहुत टाइम बाद ऐसी रोमांटिक फिल्म हमें देखने को मिलेगी। भाग्यश्री भी बहुत बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगी क्योंकि बहुत पसंद किया जाता था उन्हें, और सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी तो आप जानते ही हैं, तो बहुत टाइम बाद वो फिल्मों में कमबैक करेगी। प्रभास के साथ प्रभास की फिल्म में तो वो काबिल तारीफ होने वाली है, और प्रभास की भाग्यश्री ने जमकर तारीफें भी की कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं प्रभास के साथ काम करने के लिए। फिलहाल दोस्तों, हमने एक से बढ़कर एक स्टार्स की फिल्में देखी, उनके महंगे ड्रेस देखे, लेकिन आज जो राधे श्याम फिल्म से अपडेट सामने आई है वो भी कॉस्ट्यूम प्राइस को लेकर किसी ने सुना नहीं होगा। दोस्तों, हमने एक से बढ़कर एक एपिक फिल्में देखी होंगी, उनके रिकॉर्ड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन एक नया रिकॉर्ड बना चुका है प्रभास की फिल्म राधे श्याम। राधे श्याम फिल्म में प्रभास के कॉस्ट्यूम की कॉस्ट अगर आप सुन लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एपिक लव स्टोरी राधे श्याम में प्रभास की वेशभूषा मतलब की कॉस्ट्यूम पर करीब करीब 6 करोड़ का खर्च किया गया है। लंबी लंबी सांस ले लो और अपने आप को शांत रखो क्योंकि ये अपडेट सच में एपिक है। दोस्तों, राधे श्याम फिल्म में प्रभास काफी महंगे कॉस्ट्यूम में नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार राधे कृष्णन के डायरेक्शन में बन रही फिल्म राधे श्याम में प्रभास स्पेशल तरीके से डिजाइन किए गए एथनिक कॉस्ट्यूम में नजर आएंगे, और इस कॉस्ट्यूम के लिए मेकर्स ने स्पेशल डिजाइनर्स हायर किए हुए हैं। बताया जा रहा है कि रोमांटिक ड्रामा राधे श्याम प्रभास की करियर की सबसे अहम प्रोजेक्ट में से एक होगी, जिसमें खासकर कॉस्ट्यूम पर अधिक फोकस किया गया है। राधे श्याम में प्रभास के स्पेशल कॉस्ट्यूम के डिजाइनर हैं छोटा विजय भास्कर और इक्का लखानी। दोस्तों, अभी हाल ही में फिल्म का टीजर आया था, उस टीजर में जो प्रभास ने कॉस्ट्यूम कैरी किए थे वो सच में स्पेशल थे। वेल, अगर टीजर की बात करें तो टीजर में दोनों की केमिस्ट्री कमाल की लग रही थी। इस 53 सेकंड के टीजर ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया है। बात करें अगर टीजर की तो दोस्तों, साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और देश भर के चहेते बाहुबली स्टार प्रभास ने आज वैलेंटाइन डे के मौके पर अपने फैंस को जबरदस्त सरप्राइज दिया है। प्रभास ने सुबह अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे श्याम का नया टीजर रिलीज किया है, जिसके साथ ही उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। फिल्म का टीजर सामने आ चुका है और वैलेंटाइन डे पर प्रभास ने फैंस को एक खास तोहफा दिया है। दोस्तों, बहुत सुना है कि प्यार में लोग अक्सर हवा में उड़ने लगते हैं, और इस टीजर में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा है।
कि प्रभास भी प्यार में उछल कूद कर रहे हैं। वेल, प्यार मोहब्बत है ही चीज ऐसी कुछ। दोस्तों, फिल्म का टीजर शुरू होता है ट्रेन और रेलवे स्टेशन से। टीजर में प्रभास बहुत डैशिंग दिख रहे हैं, ब्लैक टी शर्ट, येलो जैकेट और गले में ग्रे मफलर। तो वहीं पूजा हेगड़े की ड्रेस और उनकी खूबसूरती, ओ हो हो, मतलब कि फिरंगी उनके सामने चाय कम पानी लग रही है। उन्होंने टीजर में ब्लू ड्रेस पहनी है और वो सभी को मात दे रही हैं। दोनों के लुक का कोई जवाब नहीं है। इस टीजर को देख फिल्म राधे श्याम की कहानी का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। फिल्म का छोटा सा टीजर लोगों के दिलों में प्यार का एहसास जगाने वाला है। रेलवे स्टेशन पर इटालियन में पहले प्रभास अपनी प्रेमिका पूजा हेगड़े को कुछ कहते नजर आते हैं और उसके बाद दोनों के बीच एक डायलॉग है जहां पूजा हेगड़े पूछती है प्रभास से, अपने आप को रोमियो समझते हो? इस पर प्रभास जवाब देते हुए कहते, नहीं, उसने प्यार के लिए जान दी थी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। टीजर देखकर तो लग रहा है कि ये एक रोमांटिक लव स्टोरी है, लेकिन इस एक डायलॉग ने सस्पेंस बना दिया है। फैंस इस टीजर को काफी पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। ये टीजर इतना रोमांटिक है कि रिलीज होते ही एक घंटे में से 4 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। ये टीजर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है चारों तरफ। दोस्तों, अगर हम टीजर को ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जैसे कि बॉलीवुड की एक फिल्म थी वीर, क्योंकि देखा जाए तो कुछ वैसा ही ड्रेसअप, लोकेशन, ट्रेन हमें टीजर में देखने को मिला। वीर के बारे में बता दूं कि वो बॉलीवुड की मूवी थी जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और उनके भाई सुहेल खान लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म पीरियोडिक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी। दोस्तों, टीजर के साथ ही बताया गया कि ये फिल्म सिनेमा घरों में 30 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म को लेकर दोस्तों बहुत जबरदस्त बज बना हुआ है। टीजर रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर हैशटैग वैलेंटाइन डे विद आरएस ट्रेंड करने लगा। दोस्तों, टीजर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। क्या प्रभास की फिल्म राधे श्याम से दीपिका को किया गया बाहर? किन किन विदेशी शहरों में हुई राधे श्याम की शूटिंग? क्या राधे श्याम बनी साउथ की आने वाली सबसे महंगी फिल्म? नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में। राधे श्याम एक आगमी भारतीय तेलुगु फिल्म है जिसकी कहानी रोमांटिक ड्रामा के आधार पर बनाई गई है। 250 करोड़ के बजट से बनी यह फिल्म 30 जुलाई 2021 को भारतीय सिनेमाघरों में प्रस्तुत की जाएगी। राधे श्याम के लेखन व निर्देशन का नाम फिल्म मेकर राधा कृष्ण कुमार द्वारा किया गया है। मार्च 2015 में आई तेलुगु एक्शन मूवी जिल का निर्देशन भी राधे कृष्ण ने ही संभाला था। यूवी क्रिएशंस व टी सीरीज के प्रोडक्शन हाउस में बनी इस फिल्म के निर्माता श्री कृष्णम राजू जी है। साथ ही इसके निर्माण में टी सीरीज के भूषण कुमार व यूवी क्रिएशन के कृष्ण रेड्डी भी शामिल है। फिल्म के मुख्य किरदार में नजर आएंगे बाहुबली व साहू की प्रसिद्ध पा चुके अभिनेता प्रभास। भले साहू को दर्शकों द्वारा ज्यादा प्यार नहीं मिला, परंतु प्रभास के फैंस के अंदर एक बार फिर से उत्साह भर उठा है। अभिनेत्री पूजा हेगड़े इस फिल्म की मुख्य अधिकारा के रूप में भी नजर आएंगी। पूजा ने महर्षि, डेंजरस जानबाज व सक्षम जैसे हिट पिक्चर्स दी है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि आने वाले फिल्म्स कभी ईद कभी दिवाली, सर्कस व आचार्य में भी पूजा हेगड़े दिखाई दे सकती है। राधे श्याम को 4 भाषाओं, हिंदी, तमिल, तेलुगु व मलयालम में रिलीज किया जाएगा। फिल्म के पहले लुक लॉन्च की पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए प्रभास ने लिखा, मेरे प्यारे फैंस, ये आपके लिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगी। 2020 में जब इस फिल्म की घोषणा की गई थी तो खबरें थी कि बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इस फिल्म की मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। बीच में पैसों को लेकर निर्माताओं व अभिनेत्री के बीच किसी प्रकार की अनबन होने की खबर भी उठ रही थी, जिसके कारण शायद आगे की बात नहीं बनी। पर फिल्म के पोस्टर में दीपिका नजर नहीं आ रही है, जिससे ये तो साबित होता है कि फिल्म के कास्ट में दीपिका का नाम नहीं है। हालांकि निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने फिल्म के बारे में बताते हुए कहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत से ही पूजा हेगड़े का नाम तय किया गया है। अब यह बात उन्होंने किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रोवर्सी को रोकने के लिए किया है या सच्चाई साझा की है, इसका कोई जवाब नहीं है। पर
साउथ की इस मूवी का नाम अनेकों महंगी फिल्मों के लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। राधा कृष्ण प्रभास के बारे में कहते हुए उनका हमेशा से ही इस एक्टर के साथ काम करने का सपना रहा था और उन्हें इस बात की बहुत खुशी है कि उन्हें आखिरकार उस सपने को पूरा करने का मौका मिल गया। फिल्म में प्रभास विक्रमादित्य नामक एक किरदार की में नजर आएंगे जो कि एक ज्योतिषी है। पूजा प्रेरणा नाम की स्त्री है। फिल्म के बारे में ठोस जानकारी नहीं दी गई है, परंतु इतना बताया गया है कि ये यूरोप स्थित 1970 के दशक की एक प्रेम कहानी है जिसकी शूटिंग हैदराबाद इटली व जॉर्जिया में हुई है। पूजा ने जॉर्जिया की शूट पर निकलने से पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म की कास्ट और क्रू के साथ एक फोटो भी शेयर किया था। फिल्म की शूटिंग मार्च 2020 में कोविड-19 की वजह से रोक दी गई थी, जिसके बाद इसे सीधा अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया। फिल्म के कुछ कास्ट सीन्स की शूटिंग हैदराबाद के फलकनामा पैलेस में की गई है। इस प्रोजेक्ट के बाद प्रभास सलार नामक एक फिल्म की शूटिंग भी करेंगे जिसे प्रशांत नील द्वारा निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने ओम राउत के आने वाली फिल्म आदि पुरुष पर भी साइन कर दिया है जो एक 3D फिल्म होगी। निर्माताओं ने हाल ही में घोषणा किया है कि ये फिल्म 11 अगस्त 2022 को स्क्रीन पर आ जाएगी। उनके पास नाग अश्विन की परियोजना भी है। इससे ये बात तो साफ जाहिर होता है कि राधे श्याम के बाद दर्शकों को पूजा व प्रभास दोनों की ही अन्य फिल्मों में देखने को मौका मिलेगा। भले ही साहू ने प्रभास के फैंस को कुछ निराश सा कर दिया था, मगर इस बार राधे श्याम क्या क्या धमाल मचाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। क्या राधे श्याम अकेले अपने राज में ऑडियंस को नचा पाएगी? कौन सी दूसरी फिल्म राधे श्याम के लिए एक मुसीबत बन सकती है? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, प्रभात इकलौते एक ऐसे स्टार हैं जो महज टॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी पॉपुलर हो गए। जी हाँ, अब उन्हें बॉलीवुड में भी कई ऑफर्स दिए जाते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी प्रभास के बाहुबली से। जी हाँ, जब बाहुबली सफल हुई थी तो प्रभास ना सिर्फ टॉलीवुड इंडस्ट्री में बल्कि बॉलीवुड में भी एक स्टार के रूप में निखर गए और अब लोग बेसब्री से प्रभास की दूसरी फिल्मों का भी वेट किया करते हैं। बाहुबली के सफल होने के बाद प्रभास एक सुपरस्टार की तौर पर विश्व भर में निखरे। उसके बाद पैन इंडिया की दूसरी फिल्म आई जिसमें प्रभास और श्रद्धा कपूर एक साथ नजर आए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साहू की। साहू भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री अभी भी प्रभास को खुली बाहों से स्वीकारता है। इसी वजह से आने वाले दिनों में प्रभास की कई पिक्चर रिलीज होने वाली है बॉलीवुड में भी, फिर चाहे वो राधे श्याम हो या फिर आदि पुरुष। इसके अलावा सिद्धार्थ आनंद के साथ भी उनकी एक अपकमिंग फिल्म आने वाली है जिसका टाइटल फिलहाल डिसाइड नहीं हुआ है। प्रभास की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि वो अकेले अपने दम पर अपनी फिल्मों को कामयाब करवा सकते हैं। जी हाँ, अपनी फैन फॉलोइंग के बदौलत। दोस्तों, आने वाले दिनों में 30 जुलाई को उनकी अपकमिंग फिल्म आ रही है राधे श्याम, जिसके लिए निश्चित तौर पर उनके तमाम चाहने वाले हैं बेहद एक्साइटेड। वेल, राधे श्याम क्या वाकई में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल हो पाएगी? हमें तो नहीं लगता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस साल 30 जुलाई को एक और बड़ी फिल्म आ रही है। हम बात कर रहे हैं गंगूबाई काठियावाड़ी की। जी हाँ, संजय लीला भंसाली द्वारा निर्मित गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसमें आलिया भट्ट गंगूबाई का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, ये भी 30 जुलाई को ही रिलीज हो रही है। तो इस टक्कर में जीत किसकी होती है ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। वैसे आपको बता दूं, भले ही संजय लीला भंसाली की ज्यादातर फिल्में कंट्रोवर्सी से घिरी होती है, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर हमेशा ही अच्छी खासी कमाई करती है। अब पद्मावत को ही ले लीजिए, भले ही उसमें बहुत कंट्रोवर्सी देखने को मिली, लेकिन फिल्म
बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ कमाई की। तो वहीं दूसरी तरफ आलिया भट्ट बॉलीवुड की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक हैं जो अकेले अपने दम पर अपनी फिल्मों को 100 करोड़ के क्लब में पहुंचा सकती हैं, और इसका ताजा एग्जाम्पल है उनकी फिल्म राजी। जी हाँ, राजी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जिसमें आलिया भट्ट लीड रोल निभाते हुए नजर आई थी। वेल दोस्तों, आपको ये भी बता दूं, संजय लीला भंसाली की इससे पहले भी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्लैश कर चुकी है दूसरी फिल्मों के साथ। कई फिल्में ऐसी थी जिन्होंने अच्छी कमाई की और कई फिल्में ऐसी भी साबित हुई जो फ्लॉप निकली। आलिया भट्ट ने हाल ही में पावर स्टार पवन कल्याण की फिल्म वकील साहब को प्रमोट किया था, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का तेलुगु टीजर भी रिलीज किया गया, जिसे ऑडियंस ने किया काफी पसंद। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आलिया भट्ट उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन पर नेपोटिज्म का आरोप लगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और बॉलीवुड के साथ साथ अब टॉलीवुड इंडस्ट्री में भी छाई हुई हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि बॉक्स ऑफिस के इस रेस में आखिर जीत किसकी होती है। क्या राधे श्याम की स्टोरी ऑडियंस को पसंद आएगी, या फिर संजय लीला भंसाली की क्रिएटिविटी ऑडियंस का दिल जीत लेती है। दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस पिक्चर के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं, राधे श्याम या फिर गंगूबाई काठियावाड़ी। फिलहाल ऐसी कितनी फिल्में बनी जो अपने कपड़ों के खर्चों के लिए जानी जाती हैं? प्रभास के लुक पर क्यों हो रहा है इतना खर्चा? क्या फिल्मों में कपड़ों पर खर्चा सही इन्वेस्टमेंट है? मैं प्रियंका धनखड़ दूंगी इन सवालों के जवाब। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूले। आजकल लोगों को लुभाने के लिए फिल्मों पर डायरेक्टर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इस खर्च का मोटा हिस्सा फिल्म में ग्लैमर का तड़का लगाने में भी खर्च किया जाता है। जल्द ही एक्टर प्रभास और पूजा हेगड़े फिल्म राधे श्याम में नजर आने वाले हैं, जिसका टीजर इन दिनों चर्चा में है। इस फिल्म का कुल बजट 350 करोड़ है, जिसमें से 6 करोड़ महज प्रभास की कॉस्ट्यूम में लगाए गए हैं। प्रभास से पहले भी कई बॉलीवुड सितारे फिल्मों में कीमती और महंगे कपड़े पहनने के चलते सुर्खियों में रहे हैं। पीरियड ड्रामा फिल्म पद्मावत कई कारणों से चर्चा में थी। इसका एक बड़ा कारण फिल्म का बजट भी था, जिसमें से ज्यादातर पैसे सितारों के कपड़े और गहनों में खर्च किए गए थे। ये फिल्म 160 करोड़ के बड़े बजट में तैयार की गई थी। फिल्म के गाने घूमर के लिए जो लहंगा दीपिका पादुकोण ने पहना था, उसकी अकेले की कीमत 30 लाख थी। इतने में एक मिडिल क्लास वर्ग के घरों में शादियां हो जाती हैं, जितने का सिर्फ एक्ट्रेस का लहंगा था। दूसरी हैरानी की बात ये थी कि एक्ट्रेस के लहंगे का वजन 300 किलो था, जिसे पहनकर एक्ट्रेस ने मुश्किल डांस स्टेप्स भी किए थे। इस लहंगे को तैयार में 600 दिन लगे थे। 200 क्राफ्ट्समैन ने इसे गोल्ड से तैयार किया था। अगर बात करें ब्लॉकबस्टर फिल्म जोधा अकबर की, तो फिल्म में ऐश्वर्या राय ने जोधा बाई का रोल प्ले किया था। फिल्म में एक्ट्रेस को रॉयल लुक देने के लिए उनके हर लहंगे और कपड़े को बारीकी से डिजाइन करवाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी हर एक ड्रेस के लिए मेकर्स को 2 लाख रुपए खर्च करने पड़े। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि एक्ट्रेस पल पल में नया लहंगा पहनी नजर आई है। फिल्म के लिए ऐश्वर्या की डिजाइनर नीता लुल्ला थी। फिर हिट फिल्म बाजीराव मस्तानी फिल्म में दीपिका पादुकोण की खूबसूरती ने हर किसी को दीवाना बना दिया था। मस्तानी का रोल परफेक्ट बनाने के लिए मेकर्स को 50 लाख रुपए खर्च करने पड़े। दीपिका के कपड़ों और लुक को फिल्म में खूब सराहना मिली। अब ऐसी ही एक फिल्म जो राधा कृष्णन के डायरेक्शन में बन रही है, जी हाँ, हम राधे श्याम की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रभास के कपड़ों पर विंटेज लुक देने के लिए काफी मोटा खर्चा हुआ है, जो हमें टीजर में भी दिखाई दे रहा है। कपड़ों और लुक पर ही आजकल लोग फिल्म देखने जाते हैं, तो लोगों को सिनेमा तक लाने के लिए यह रामबाण तरीका होता है। में प्रभास के लवर बॉय अवतार को देख लड़कियों पर क्यों छाया है दीवानापन। नमस्कार, मैं हूं राजश्री, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में।
राधे श्याम में प्रभास को अपने दशक पुराने लवर बॉय अवतार में लौटता देखा जा सकता है। बहुत सारी एक्शन फिल्में करने के बाद वह एक दशक के बाद रोमांटिक रूप में लौट कर आ रहे हैं। राधे श्याम में इस लवर बॉय रूप में वापसी से उनके फैंस खासकर लड़कियों पर दीवानापन छा गया है और सोशल मीडिया पर उनकी प्रशंसक लड़कियों को अभिनेता के प्यार में पागल हो रहा देखा जा सकता है। राधे श्याम जो 30 जुलाई 2021 को रिलीज के लिए तैयार है, हाल ही में उस फिल्म का टीजर सामने लाया गया है और तब से लड़कियों को प्रभास के अवतार में देखकर उनका मन नहीं भरा गया है। सोशल मीडिया मेरी जान लव यू 30 जुलाई का इंतज़ार है इस तरह के अन्य टिप्पणियों से भर गया है। प्रभास का स्टारडम ऐसे ट्रीटमेंट के लिए नया नहीं है क्योंकि पोस्टर 1 एंड पोस्टर 2 रिलीज होने पर से उनका महिला प्रशंसकों से इसी तरह से प्रतिक्रियाएं आई थी। एक पोस्टर में वह अपने पुराने वाले लवर बॉय के अवतार में और दूसरे में बिल्कुल चॉकलेट बॉय लग रहे थे। पहले दशक में हमने प्रभास को एक्शन मूवी में देखा है और उनकी फिल्मों के साथ उनके फैंस के प्यार और समर्थन की वजह से ही वह अभी इस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। अभिनेता अब तक व्यस्त व्यक्ति है क्योंकि बहुत सारे फिल्म निर्माता उनके साथ काम करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते उनकी फिल्म सल्लार की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई थी और उनके प्रशंसकों से देरो क्रेजी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थी। प्रभास के पास वर्तमान से 4 पैन इंडिया फिल्में हैं और उन्होंने अपना लॉकडाउन स्क्रिप्ट्स को साइन करना और पढ़ने में बिता दिया है। आदि पुरुष, राधे श्याम, सल्लार और दीपिका पादुकोण के साथ एक नया अनटाइटल्ड मूवी, सभी फिल्में पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स ही है। वह अपनी आगामी प्रोजेक्ट्स जैसे कि पौराणिक कथाओं, रोमांटिक ड्रामा, साईफाई और सल्लार की अनरिवील शैली के साथ विभिन्न शैली की फिल्मों में अभिनय करेंगे। क्या आपका प्यार दीवानापन बन गया है? दीवानी अच्छी बात है, किसी के लिए प्यार में पागलपन आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हम आपको बता रहे हैं वे लक्षण जिनसे पता चल जाएगा आपको कि कहीं आपको प्यार है या फिर दीवानगी है किसी से। हमेशा उसकी तरफ देखना और हमेशा उसकी तारीफ करना, इसका पहला लक्षण है उसकी खूब तारीफ करना। अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को कॉम्प्लीमेंट देना तो ठीक ही है, लेकिन अगर आप हर वक्त उसकी तारीफ करते रहते हैं और उसके बारे में ही बात करते रहते हैं तो आपको खुद को संभालना, दूसरों से बात करते देख नाराज हो जाना। अगर आप हमेशा उसे दूसरी लड़कियों या लड़कों से बात करते देख नाराज हो जाते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। अगर आप उसे प्यार करती है तो उस पर भरोसा भी रखिए। हमेशा ब्रेकअप की चिंता करना यह निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छा लक्षण नहीं है। अगर आपको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि आपका उससे ब्रेकअप हो जाएगा तो आपको अपने रिश्ते पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। किसी भी रिश्ते में होने का मतलब है कि आप खुद को सुरक्षित समझें और आपको लगे कि वह आपको प्यार करता है। आप उसे पर्याप्त स्पेस नहीं देती है। यह सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप उसे पर्याप्त समय और स्पेस देते हैं या नहीं। आप उसे बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वह अपना सारा समय आपके साथ ही गुजारे। एक दूसरे से थोड़ा समय अलग होने के बाद जब फिर से मिलते हैं तो आप दोनों को ही एक विशेष अनुभव होता है। ज़रूरत से ज़्यादा उसे चिपकने की कोशिश मत कीजिएगा, उसे स्पेस दीजिए वरना वह आपसे उबकर उस पे
वरना वह आपसे उब कर आपसे दूर चले जाएगा। तो क्या आप ये लक्षण महसूस करते हैं या आपने ये लक्षण किसी में देखे हुए हैं? हमें कॉल क्या अक्टूबर में होने वाली है इस फिल्म की रिलीज? कौन से नए शूट पर दिखाए जाएंगे प्रभास को? क्यों इस फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर सभी है उतावले? क्या ऑडियंस का दिल जीतने से पहले ही हार रहा है प्रभास का पैन इंडियन फिल्म राधे श्याम? कोविड के वजह से राधे श्याम की शूटिंग बार बार हो रही थी बंद और अभी फिर से शुरू हुई है शूट इस फिल्म का। राधे श्याम का इंतजार दर्शक कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से यह फिल्म डिले हो जा रही है। मगर दोस्तों, हम आपको बता दें कि राधे श्याम मूवी का शूट अब बस 7 से 10 दिनों का मामला है, फिर लास्ट टचअप्स और एडिटिंग के बाद हो जाएगी राधे श्याम बिल्कुल रेडी। हालांकि फिल्म का VFX का काम अभी भी 50% बाकी है, लेकिन काम जिस तेजी से हो रहा है ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म अब रिलीज हो जाएगी। अगर बात करें इस फिल्म की तो यह फिल्म 1970s के एक यूरोपियन सेट पर बेस्ड है और यहां देखे जाएंगे प्रभास एक फॉर्च्यून टेलर के किरदार में और पूजा एक राजकुमारी के अवतार में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स होने वाला है काफ़ी इमोशनल, जो रुला देने वाला है ऑडियंस को। इस क्लाइमैक्स में हो सकता है पूजा के कैरेक्टर का डेथ भी। राधे श्याम का प्रोडक्शन करीब 400 करोड़ का है और इस फिल्म के 26 ऐसे सेट्स हैं जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट 106 करोड़ का है। यहाँ एक कोविड हॉस्पिटल का सेट भी था, जो कोविड सिचुएशन के वजह से कोविड सेंटर बनाने के लिए दान में दे दिया गया। तो आप ये सोचेंगे कि यह सेट कितना बड़ा होगा। इस फिल्म का डिले कुछ ज़्यादा ही हो गया। इस फिल्म का कोई सॉन्ग भी अब तक रिलीज़ नहीं हुआ। जनरली ऐसे स्टेज पर आके फिल्म अपना एक या दो गाना रिलीज़ कर देती है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस फिल्म के गाने होने वाले हैं काफ़ी सॉफ्ट टाइप और यह गाना हिंदी में अलग, तेलुगु में अलग, तमिल और कन्नड़ में अलग अलग बनाया जाएगा। इन सब के अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया है गाना बनाने के लिए। तो कब हो रही है रिलीज़ राधे श्याम और क्या किसी और फिल्म से ये क्लैश कर सकती है? तो हम आपको बता दें कि 30 जुलाई से होने वाली यह फिल्म रिलीज़ और शिफ्ट होकर अक्टूबर में रिलीज़ होने वाली है, और अगर क्लैश की बात करें तो उसी समय रिलीज़ होने वाली है RRR और KGF चैप्टर 2 जैसी मूवी, जिसके संग राधे श्याम का क्लैश होना निश्चित है। अगर बात करें फिल्म की हीरोइन पूजा के पास तो अभी बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स हैं। उनकी अगली फिल्म सलमान खान के साथ है और वे फिर रणवीर सिंह के साथ सर्कस मूवी में भी काम कर रही हैं। उनको विजय के साथ भी देखा जाएगा बीस्ट में और रामचरण और चिरंजीवी सर के साथ देखा जाएगा आचार्य में। उनकी एक अपकमिंग रिलीज भी है जिसका नाम है द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। फिल्म के हीरो प्रभास काम कर रहे हैं आदि पुरुष और सलार में और अभी उन्होंने नाग अश्विन के साथ मूवी की शूटिंग भी शुरू कर दी है। तो क्या राधे श्याम जीत पाएगा लोगों का दिल या फिर बन के रह जाएगा एक एवरेज मूवी? आपको कब तय होगी फिल्म राधे श्याम की रिलीज डेट? क्या फिल्म का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका? क्या फिल्म ने पहले ही कमा लिए हैं 400 करोड़ रुपए? हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज। अवेटेड अपकमिंग टॉलीवुड फिल्म राधे श्याम अपनी सफलता की राहों पे पहले ही चल रही है। रिलीज से पहले ही वो अपना कारोबार करने लगी है। खबर ये है कि बॉलीवुड के बाहुबली और पूजा हेगड़े के फिल्म जो कि राधे कृष्ण कुमार के निर्देशन में बनी है, वो OTT प्लेटफॉर्म पर एक भारी कीमत पर बेची गई है। क्या आपको लगता है कि प्रभास अपनी इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए एक्सेप्ट करेंगे? इसका एक ही आंसर होगा, अ बिग नो। प्रभास इज अ मैन ऑफ कोल्ड हार्ट। अगर निर्माताओं को इस फिल्म को थिएटरिकली रिलीज करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमें पूरा यकीन है प्रभास उनकी मदद जरूर करेंगे। गौरतलब है कि फिल्म मेकर्स को भी कोई भी फाइनेंशियल
मदद की जरूरत नहीं है। दरअसल ये एक फेक न्यूज थी। चूंकि फिल्म यूनिट ने फिल्म की रिलीज की डेट को अनाउंस नहीं किया था, तो फैंस ने एक फेक प्रेस रिलीज बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया ताकि वो फिल्म निर्माताओं को ट्रोल कर सके। राधे श्याम, जो कि हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु में रिलीज होने वाली थी, वो इसी साल जुलाई 30 को फिल्म स्क्रीन हिट करने वाली थी, लेकिन कोविड-19 दूसरी लहर के कारण उसे अपनी तय तारीख पर रिलीज अब नहीं किया जाएगा। दूसरी खबर ये भी आ रही है कि क्या 24/7 2400 घंटे काम करने के बाद भी राधे श्याम VFX कंपनी अपनी समय सीमा को पूरा नहीं कर पा रही है। फिल्म में देरी हो रही है क्योंकि VFX का काम अभी अधूरा है और शायद इसे पूरा होने में कुछ महीने और भी लग सकते हैं। फिल्म निर्माता भी फिल्म की रिलीज डेट को लेकर काफी परेशान हैं। अगर ये फिल्म इस साल रिलीज नहीं हो पाती है तो स्टार रेबल प्रभास के फैंस सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा करने वाले। इसी को विचार करते हुए फिल्म मेकर्स ने जल्दी जल्दी इस फिल्म की रिलीज डेट को प्लान करने का विचार किया है और हम अनुमान लगाएं तो शायद ये फिल्म इस साल अक्टूबर तक रिलीज हो जाएगी। आपको क्या लगता है, इस साल ये फिल्म रिलीज हो पाएगी या नहीं? हमें क्या क्लासिक रोमांटिक स्टोरीज को बॉलीवुड में अडेप्ट किया गया है, उन फिल्मों का ऑडियंस पर क्या असर हुआ है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स और उनकी मूवीज के बारे में कोई भी अपडेट डालें तो आप उसे सबसे पहले जान पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। जब ईरानियन फिल्म मेकर मजीदी इंडिया एक फिल्म बनाने आए थे तब उन्हें बॉम्बे टाइम्स यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया का एंटरटेनमेंट सप्लीमेंट ने पूछा था कि उनका बॉलीवुड पर क्या ख्याल है, तो उन्होंने बड़े ही सरलता से कह डाला कि बॉलीवुड का एक जादू है, एक असर है दुनिया के लोगों पर। उन्होंने नाच और गाने को अच्छे तरीके से दुनिया के सिनेमा इंडस्ट्रीज के बीच अपने आप को यूनिक बनाने के लिए फिल्मों में इस्तेमाल किया है एक USB की तरह। मगर एक खट्टी बात यह है कि फिल्मों में हमेशा लोगों को प्यार जैसे होना ही है और बॉलीवुड तो सालों से प्यार, इश्क, मोहब्बत को इतनी फ्रीक्वेंसी से दिखाता आ रहा है, आजकल उसकी कहानियां एकदम अस्तित्व में नहीं बची हैं इस कारण। अगर हम भारत के नागरिक होकर इस बात पर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि मजीदी साहब इतना गलत भी नहीं बोल रहे थे। मजीदी आए थे ईशान खट्टर के साथ बियॉन्ड द क्लाउड्स बनाने के लिए। उन्होंने दीपिका पादुकोण के साथ भी एक मूवी बनाई लेकिन वो खत्म नहीं हो पाई। बॉलीवुड में कितने सालों से प्यार को ही दिखाया गया है फिल्मों में, हीरो हीरोइन का मिलना, हीरो को प्यार होना, हीरोइन को नफरत होना, हीरो का हीरोइन को तंग करना, हीरोइन का आखिर में मान जाना। बस कभी कभी फिल्मों में एक एक्स्ट्रा चीज होती है कि हीरो और हीरोइन बिछड़ते तो हैं और बाद में क्लाइमेक्स में मिल जाते हैं, लेकिन इतने घिसे पिटे स्टोरीज के बाद भी बॉलीवुड की कुछ स्टोरीज है जो आज भी ऑडियंस के साथ रेजोनेट करती हैं। कुछ लव स्टोरीज हैं जो इतनी सारी लव स्टोरीज के बीच भी गुम नहीं हुई है और उनमें से कुछ स्टोरीज हैं जो क्लासिक लिटरेचर से चुनकर बनाई गई हैं। आज हम इसी पर विचार करने वाले हैं। 1960s की ऑल टाइम क्लासिक फिल्म मुगले आजम राजकुमार सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी पर बनाई गई थी। इस फिल्म को आज तक एक क्लासिक माना जाता है और कई फिल्म मेकर्स की प्रेरणा है ये फिल्म। फिल्म से दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी अमर बन गई और आज मधुबाला की मौत के करीब 50 साल बाद भी लोग उन्हें प्यार से याद करते हैं। 1980s में बनाई गई दो फिल्में सोनी महिवाल और लैला मजनू भी क्लासिक रोमांटिक कपल लैला मजनू और सोनी महिवाल पर बनाई गई थी। ये फिल्में भी हिट हुई थी और 80s के किड्स के दिमाग में तो जैसे फ्रेशली मौजूद हैं। 90s में फिल्म हीर रांझा भी सिमिलर लाइंस पर बनाई गई और सुपर हिट हुई थी अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ। फिर 2000s में इन्हें एक नई दिशा मिली। 1955 में बिमल रॉय द्वारा बनाई गई देवदास और पार्वती की प्रेम कहानी भंसाली ने फिर से बनाई। दोनों फिल्में ही क्लासिक थीं। फिर विशाल भारद्वाज ने हैदर, ओमकारा और मकबूल बनाई शेक्सपियर की ओथेलो, मैकबेथ जैसी लिटरेरी वर्क्स पर। भंसाली ने फिर से 2013 में रोमियो और जूलियट की कहानी को गोलियों की रासलीला रामलीला के देसी अंदाज में बनाया और दिखाया और ये दमदार हिट साबित हुई। इन सबके रिएक्शंस अब तक तो अच्छे रहे हैं, अब देखना बाकी है कि जब भगवान की प्रेम कहानी को फिल्म में दिखाया जाएगा तो क्या रिएक्शन होगा ऑडियंस का। आपकी कौन है भाग्यश्री, 19 साल की उम्र में शादी कर क्यों किया माँ बाप को नाराज,
क्या फिर से नजर आने वाली हैं भाग्यश्री किसी मूवी में। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। भाग्यश्री का जन्म 23 फरवरी 1969 को महाराष्ट्र भारत में हुआ था। उनका पूरा नाम श्रीमंत राजकुमारी भाग्यश्री राज पटवर्धन है। उनका जन्म मिर्च के शाही पटवर्धन परिवार में हुआ। उन्हें फिल्म मैंने प्यार किया से अलग पहचान मिली। भाग्यश्री ने खुलासा किया है कि उन्होंने सूरज बड़जात्या को मैंने प्यार किया के लिए साफ मना कर दिया था, लेकिन उनके बार बार कहने पर फिल्म करने के लिए हाँ कही थी। उन्होंने 1987 में मशहूर अभिनेता निर्देशक अमोल पालेकर के कहने पर टीवी धारावाहिक कच्ची धूप में अलका की भूमिका से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 1990 में उन्हें फिल्म मैंने प्यार किया में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बच्चियों के पोषण के लिए अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भाग्यश्री बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म के साथ जोरदार फैन फॉलोइंग कायम कर ली थी। उनके दीवानगी और क्यूटनेस फैंस के सिर चढ़कर बोलती थी। सलमान खान के साथ मैंने प्यार किया में उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। भाग्यश्री ने सुमन का रोल निभाया था, लेकिन इस फिल्म की कामयाबी के तुरंत बाद ही उन्होंने शादी कर ली और फिल्म को अलविदा कह दिया, जिसके बाद उनके फैंस को जोर का झटका लगा भी था। इस बात को लेकर भाग्यश्री ने बहुत ही मजेदार खुलासा भी किया है। भाग्यश्री ने हिमालय के साथ शादी के बाद बॉलीवुड को गुड बाय कहने को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, बेचारा उसे उन सारे फैंस खूब गालियां निकाली होंगी जो इस बात से नाराज थे कि वह मुझे शादी करके बॉलीवुड से दूर ले गया। हर कोई उसे गाली देता होगा। मुझे लगता है कि उस समय सिर्फ मैं ही थी जो उससे प्यार करती थी और बाकी लोग तो उससे नफरत ही करते थे, लेकिन हम दोनों ही जवान थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। अब मुझे समझ आता है कि ईर्ष्या में जाना बहुत आसान है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी सबकी आंखों का तारा। बता दें, अब उन फैंस के लिए खुशखबरी है जो इन्हें चाहते थे, हालांकि अब वो बड़े हो गए होंगे। खैर, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए आपको बता दें कि भाग्यश्री प्रभास की फिल्म राधे श्याम में नजर आएंगी। इसके अलावा वे कंगना रनौत की फिल्म थलावी में भी काम कर रही हैं। कितनी बजट पर बन रही है प्रभास की आने वाली फिल्म राधे श्याम? क्या चुनौती है राधे श्याम के प्रोड्यूसर्स के सामने? मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। मेगा स्टार प्रभास और पूजा हेगड़े की आने वाली फिल्म राधे श्याम फिल्मिंग की आखिरी स्टेज में है। मेकर्स ने कंफर्म किया है कि फिल्म इस साल के अंत में रिलीज होगी बड़े पर्दे पर प्रभास और उनके कजन के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती है फिल्म का बजट। प्रभास के कजन प्रशीदा और प्रमोद प्रोजेक्ट को बैंक रोल कर रहे हैं और वामसी इसके को प्रोड्यूसर है। फिल्म 2018 से बन रही है और इसका बजट लगभग 250 करोड़ था, पर अब ये बढ़कर 350 हो चुका है। प्रभास की फैन फॉलोइंग और फिल्म के लिए दर्शकों में उनके क्रेज की वजह से सामान्य परिस्थिति में फिल्म का बजट एक इशू नहीं होता, पर कोरोना वायरस पैंडेमिक ने सब बदल कर रख दिया है। पैंडेमिक की वजह से थिएट्रिकल बिजनेस डूब गया है, ओवरसीज मार्केट का भी बहुत बुरा हाल है और इसे रिकवर करने में काफी समय लगेगा। इस वजह से इस फिल्म के प्रोड्यूसर रेवेन्यू नहीं कमा पाएंगे और इसी वजह से बजट की रिकवरी एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। फिल्म के हिंदी राइट्स तो टी सीरीज को कबको बेच चुके हैं, पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म की कमाई पर कोरोना की वजह से असर आ जाएगा और यही प्रभास और उनकी टीम की चिंता का विषय है। प्रभास एक के बाद एक बड़े बजट की फिल्म साइन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके कलीग से कोई कंपटीशन ही नहीं है, खासकर टॉलीवुड के टॉप रेटेड एक्टर्स। अभी प्रभास तीन प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं, जो हैं राधे श्याम, प्रभास 21 और आदि पुरुष। राधे श्याम 350 करोड़ के बजट पर बनने जा रही है, जबकि नाग अश्विन की प्रभास 21 फिल्म 250 करोड़ के बजट में, आदि पुरुष 500 करोड़ के महंगे बजट में बनेगी। प्रभास नाग अश्विन की फिल्म के लिए 70 करोड़ ले रहे हैं और आदि पुरुष के लिए 100 करोड़।
एक बात तो स्पष्ट है कि राधे श्याम की तरह कई और बड़े बजट की फिल्मों को कोरोना महामारी की वजह से थिएटर पर दर्शकों के ना आने से भारी नुकसान हो रहा है और बड़ी बजट की फिल्मों के प्रोड्यूसर्स की अब ये दुविधा बन चुकी है कि अपना इतना बड़ा बजट वो कैसे रिकवर करें। वो थिएटर्स पर फिल्म रिलीज भी करना चाहते हैं और 100% ऑडियंस पार्टिसिपेशन भी, पर लोग अब थिएटर्स जाकर फिल्म देखने में दिलचस्पी नहीं रखते। बड़ी बजट वाली फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म्स को बेचना भी नहीं चाहते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फिल्म को किसी OTT प्लेटफॉर्म को बेचने से फिल्म कुछ ही ऑडियंस तक सीमित हो पाएगी और कमाई भी फिक्स्ड होगी, क्योंकि OTT में फिल्म बेचते का एक ही बार में पैसा मिलता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राधे श्याम, आदि पुरुष, 83, गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी बड़ी बजट की फिल्मों का क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या राधे श्याम को थिएटर्स पर रिलीज करना एक सही सोच होगा? कमेंट कर। फिल्म राधे श्याम को लेकर पूजा हेगड़े ने क्या अपडेट दी है? इटली में किस तरह से शूट चल रहा है, क्योंकि इटली सबसे ज्यादा अफेक्टेड था कोरोना वायरस से? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? कब तक इसका शूट निपटा दिया जाएगा इटली में? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूँ सोनिका जयाल। बात करेंगे प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे श्याम की, जिसका एक पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया था, जिसमें पूजा हेगड़े और प्रभास नजर आ रहे थे। पूजा हेगड़े एकदम विंटेज का ये टाइम दिख रहा है, जिसमें पीछे से फॉरेनर दिख रहे हैं। ट्रेन की एक बोगी दिख रही है जिसमें कि पूजा हेगड़े ने स्कार्फ पहना हुआ है, उनका आधा फेस कवर है और बैक पोर्शन दिख रहा है प्रभास का, यानी कि पूजा हेगड़े का उनके बर्थडे के दिन पोस्टर शेयर कर दिया गया है और अब प्रभास के बर्थडे का दिन का इंतजार है, जो कि 23 अक्टूबर का है, और हो सकता है कि उस दिन राधे श्याम का एक मोशन पोस्टर रिलीज किया जाए जिसमें हमारे डार्लिंग प्रभास नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि राधे श्याम जैसे कि नाम है, तो पूजा हेगड़े ने बहुत सारी बातें रिवील की है अपने बर्थडे के दिन ही, उन्होंने ये सब बातें बताई है। जैसे कि राधे श्याम कहा जा रहा था कि हो सकता है ये माइथोलॉजिकल कोई फिल्म हो, उनसे मिलती जुलती हो जो राधा कृष्ण है, तो पूजा हेगड़े ने कहा है कि उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राधे श्याम से इंस्पायर्ड ये कैरेक्टर हो सकते हैं। इटली में फिलहाल इसका शूट चल रहा है। इसके अलावा डबल रोल की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि जो टाइटल था मोशन पोस्टर में उसमें लिखा गया है प्रेरणा, तो राधे श्याम फिल्म का नाम है राधे, जहाँ तक पूजा हेगड़े का नाम होगा तो प्रेरणा कौन है? तो इसके लिए भी उन्होंने कह दिया है कि कोई डबल रोल मेरा इस फिल्म में नहीं है। अब प्रभास का है या नहीं है ये आने वाला वक्त बताएगा। वहीं बस फिल्म के लिए ये कहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है जो हमने आज तक नहीं देखा है, और प्रभास ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो हमने कभी नहीं देखी है और आंखें फटी की फटी रह जाती है हर फिल्म को देखकर। वहीं इटली में इसका शूट चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था कोरोना वायरस से, आप सभी जानते हैं इतनी सारी मौतें हुई, इतने लोग इन्फेक्टेड हुए, तो उस बारे में भी कहा गया है कि इटली में उनका शूट चल रहा है लेकिन अब काफ़ी हद तक वहाँ सब कुछ कंट्रोल है, ज़िंदगी आसान हो गई है, मास्क पहन के शूट करते हैं, सैनिटाइजर हमेशा रहता है, कम क्रू है लेकिन सब कुछ सही चल रहा है। इसके अलावा नो हग पॉलिसी हो चुकी है, आप सभी जानते हैं जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होता है, स्टार्स मिलते हैं, हग करते हैं, किस करते हैं, तो ये पॉलिसी खत्म कर दी गई है कोरोना वायरस के चलते, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखी जा सके। इटली में शूट की बात करें तो 31 अक्टूबर तक ये शूट खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब वो वापस लौटेंगे तो हैदराबाद में कंटिन्यू किया जाएगा और लास्ट शेड्यूल इसका खत्म हो जाएगा नवंबर एंड तक, और जल्द से जल्द ये फिल्म आपके सामने हाजिर हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद प्रभास को अपनी फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग करनी है और जनवरी से कहा जा रहा है कि प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग करेंगे, जिसमें वो श्री राम के किरदार में नजर आएंगे। वहीं सैफ अली खान, हमारे छोटे नवाब, भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं और वो करने वाले हैं रावण यानी लंकेश का किरदार। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा भी में नजर आएंगे लक्ष्मण के किरदार में, लेकिन सीता कौन होने वाली है ये अभी तक पता नहीं है। अनुष्का शेट्टी को अगर सीता के रोल में देखा जाए तो मजा आ जाएगा। इन दोनों की जोड़ी, प्रभास और अनुष्का शेट्टी की जोड़ी, हमेशा से बहुत फेमस रही है, तो हो सकता है सीता का रोल इस बार
बार अनुष्का शेट्टी को मिल जाए। वैसे आप आदि पुरुष में सीता के रोल में किसे देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा प्रभास की प्रभास 23 तक उन्होंने अनाउंस कर दिया है और बहुत सारी फिल्में लाइनअप में हैं। जैन से शूट होगा, फिलहाल राधे श्याम का बहुत इंतजार हो रहा है और इसका शूट खत्म भी होने वाला है, तो अगले साल तक हो सकता है ये फिल्म रिलीज कर दी जाए। राधे श्याम की शूटिंग कौन से शहर में शुरू हुई? क्या राधे श्याम की शूटिंग विदेशों में की गई है? राधे श्याम की शूटिंग में कौन कौन से शहर शामिल है? साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के डार्लिंग प्रभास पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना कब्जा करने को तैयार हो चुके हैं। जहां बाहुबली का गजब का धमाका करने के बाद एक्शन और माइथोलॉजी में तो अपना झंडा गाड़ चुके हैं प्रभास, वहीं राधे श्याम के साथ रोमांटिक एंगल में भी खूब अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रभास ने अपनी कमर कस ली है। राधे श्याम की शूटिंग तो पूरी हो चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म की मल्टीपल शूटिंग लोकेशन रही है? तो आज की इस वीडियो में जान लेते हैं कि राधे श्याम की शूटिंग लोकेशन कहाँ कहाँ रही है। वैसे तो इस फिल्म की शूटिंग विदेशों में भी की गई है, लेकिन राधे श्याम की शूटिंग की शुरुआत इंडिया से ही हुई। अक्टूबर 2018 में राधे श्याम की शूटिंग शुरू हुई थी और पहला शूटिंग 6 अक्टूबर को हैदराबाद में किया गया था। हैदराबाद से शुरू हुई ये जर्नी इटली और रोम और जॉर्जिया तक भी पहुंच गई। शूटिंग की लोकेशन जान के ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सिलेक्टिव होकर फिल्म के मेकर्स ने शूटिंग के लिए लोकेशंस को चुना है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में इतने सारे लोकेशंस को इसलिए चुना गया है क्योंकि काफी सारे सिग्निफिकेंट सीन्स इस पिक्चर में ऐसी होने वाली है जिसके लिए बहुत ही अलग लोकेशंस की जरूरत पड़ेगी। इसकी एक वजह यह है क्योंकि इस फिल्म में टाइम जोन काफी अलग अलग दिखाया जाने वाला है, जैसे कि कभी एकदम रेट्रो टाइम दिखाया जाएगा तो अचानक से ही मॉडर्न वर्क भी दिखाया जाएगा। इसके लिए शूटिंग के लोकेशंस में काफी बदलाव होना जरूरी था और यही वजह है कि राधे श्याम की शूटिंग लोकेशन इतनी अलग है। हैदराबाद में इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई थी। उसके बाद फिल्म के मेकर्स पूरी कास्टिंग टीम के साथ जॉर्जिया पहुंच गए। जॉर्जिया में फिल्म की लव स्टोरी का एक हिस्सा शूट किया गया, जिसके बाद पूरी टीम इटली को रवाना हुई। इटली में फिल्म के कुछ स्पेसिफिक रोमांटिक सीन्स शूट किए गए। पूजा हेगड़े और प्रभास इटली की कई सारी सीन्स में काफी अलग कॉस्ट्यूम में भी नजर आ रहे हैं। इटली में शूट खत्म होने के बाद राधे श्याम की पूरी टीम रोम पहुंच गई, जहां राधे श्याम की मॉडर्न डे लव स्टोरी शूट किया गया। फाइनली विदेशों का पूरा शूट खत्म हो जाने के बाद मुंबई के फिल्म सिटी में भी राधे श्याम की स्पेसिफिक सीन्स शूट की गई। किसी के बड़े पिक्चर की शूटिंग हो और उसमें माया नगरी मुंबई का नाम शामिल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए राधे श्याम भी हैदराबाद में अपना सफर शुरू करने के बाद विदेशों में फिल्म की कई सारी शूटिंग खत्म हो जाने पर फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खुशहाल शहर पधारी और वो है माया नगरी मुंबई। मुंबई में फिल्म का एंडिंग सीन शूट किया गया है ऐसा सुनने में आ रहा है। की मीडिया ने किया प्रभास पूजा का वेलकम। राधे श्याम के म्यूजिक की बागडोर है किसके हाथों में? क्या अपने चाचा के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं प्रभास? इटली की मीडिया ने किस तरह किया फिल्म का वेलकम? प्रभास ने बाहुबली सीरीज के लिए कमर कसी थी और अपना वजन बढ़ाया था, तो साहू के लिए ये हेवी लुक बरकरार रखा। लेकिन अब राधे कृष्ण द्वारा निर्देशित अपनी 20वीं फिल्म के लिए तेलुगु स्टार को रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाने के लिए अपने वजन को कुछ किलो कम करने पड़े। प्रभास ने पहले ही अपना फिटनेस शासन शुरू कर दिया है। बाहुबली स्टार आने वाली फिल्म के लिए सॉल्ट डाइट और वर्कआउट रेजिम फॉलो कर रहे हैं। अप्रैल में प्रभास ने 20वीं फिल्म के निर्देशक राधा कृष्ण ने ट्विटर पर घोषणा की कि फिल्म के दो शूटिंग शेड्यूल पहले ही समाप्त हो चुके हैं। पूजा हेगड़े, जिन्हें महेश बाबू की फिल्म महारिषि में देखा गया था, वो लंदन में रोमांटिक ड्रामा सेट में प्रभास के साथ जोड़ा गया है। फिल्म यूरोप के 1970 के दशक में सेट की जाएगी। प्रभास की आखिरी फिल्म साहू के एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान प्रभास ने वादा किया था कि आने वाली फिल्म उनके प्रशंसकों के लिए एक नया अनुभव होगी। उन्होंने ये भी कहा था, बड़े बजट की फिल्मों में अभिनय करना थका देने वाला होता है, जिन्हें पूरा होने में 2 साल लगते हैं। अभिनेता ने संकेत दिया कि वे रोमांटिक फिल्म बनाने के लिए वापस आएंगे और देखिए
जो प्रभास ने वादा किया वो निभाया भी। इस बीच साहू बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत में तो सफलता पूर्वक चली और 10 दिनों के भीतर ऑफिस पर 450 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर गई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस फिल्म में श्रद्धा कपूर, नील नितिन मुकेश, अरुण विजय, चंकी पांडे और जैकी श्रॉफ भी मुख्य भूमिकाओं में थे। हालांकि फिल्म को बाद में उतना बिजनेस नहीं मिल पाया और फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया गया। प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म राधे श्याम का अंतिम शेड्यूल हैदराबाद में तेज गति आगे बढ़ रहा है। प्रभास ने हैदराबाद के ताज फलकनुमा पैलेस में राधे श्याम के लिए कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग भी पूरी कर ली है। हमने तो ये भी सुना है कि इस विशेष दृश्य को शुरू होने में इटली में शूट करने की योजना बनाई गई है। हालांकि लॉजिस्टिक मुद्दों और समय की कमी के कारण टीम ने पूरे सीक्वेंस को हैदराबाद में शूट करने का फैसला किया। प्रभास इस महीने के अंत तक फाइनल शेड्यूल पूरा कर लेंगे। आपको बता दें कि ये वही फलकनुमा पैलेस है जहां KGF चैप्टर 2 की भी शूटिंग की जा चुकी है। यानी साल की दोनों ही बड़ी फिल्मों में हमें एक ही आलिशान बंगला देखने को मिलेगा। राधे श्याम यूरोप की पृष्ठभूमि पर आधारित एक महाकाव्य प्रेम कहानी है। फिल्म में सचिन खेड़ेकर, भाग्यश्री, प्रियदर्शी, मुरली शर्मा, साशा छेत्री और कुणाल रॉय कपूर प्रमुख भूमिका निभाएंगे। यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ सहित 5 भाषाओं में रिलीज होगी। फिल्म को पूरा करने के बाद प्रभास प्रशांत नीम की सैलरी पर काम करना शुरू कर देंगे और उनके पास निर्देशक नाग अश्विन की परियोजना भी है जो 2021 के सेकंड हाफ में फ्लोर पर जाएगी। उन्होंने आदि पुरुष नामक एक नई 3D फिल्म की भी घोषणा की जिसमें हुआ भगवान राम की भूमिका निभाएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुनी गई है। फिल्म में रावण के किरदार में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान है। एक चीज जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है वह है मेक्रम ओपस का साउंड ट्रैक। किसी भी फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम उसकी आत्मा बन जाता है जो न केवल फिल्म की सफलता को निर्धारित करता है बल्कि कहानी की कथा को भी संचालित करता है। इसलिए संगीत निर्देशक कौन की भूमिका काफी इम्पोर्टेंस रखती है। राधे श्याम की टीम अलग अलग बाजारों के अलग अलग संगीत निर्देशक को एक साथ लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म में अलग अलग संस्करणों में पूरे गाने अलग होंगे जो कि भारतीय सिनेमा ने पहले कभी नहीं देखा है। इसका मतलब है कि अलग अलग टीम में हिंदी और तेलुगु में अलग अलग गानों की रचना करेंगी लेकिन फिर भी गानों के इमोशंस एक ही होंगे। फिल्म के हिंदी गानों के लिए मिथुन 2 गाने कंपोज करेंगे और मनन भारद्वाज 1 गाना कंपोज करेंगे। इसके अलावा हिंदी संगीत उद्योग के बड़े लोग जैसे कुमार और मनोज मुंताशिर गीतों के बोल पर काम करेंगे। तेलुगु गीतों के लिए जस्टिन प्रभाकर को संगीत निर्देशन का संचालन सौंपा गया है जिसका बोल कृष्णकंठ द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म राधे श्याम में करीब 1 दशक के बाद प्रभास रोमांटिक अंदाज में दिखाई देंगे। जब से फिल्म की पहली घोषणा हुई है प्रश्न बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि फिल्म में पैन इंडिया स्टार प्रभास खूबसूरत पूजा हेगड़े के साथ रोमांस करें। राधे श्याम एक बहुभाषी फिल्म होगी और राधा कृष्ण कुमार द्वारा अभिनंद गुलशन कुमार और टी सीरीज द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। ये फिल्म प्रभास के लिए और भी खास होगी क्योंकि उनके चाचा कृष्णम राजू इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आएंगे। प्रभास के चाचा कृष्णम राजू जो अपने घरेलू बैनर गोपी कृष्णा मूवी के तहत राधे श्याम को भी प्रस्तुत कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देंगे। अनुभवी अभिनेता परमहंस नाम के एक पवित्र संत की भूमिका निभाएंगे और उन्होंने अभी तक अपने दृश्यों की शूटिंग नहीं की है। उनके किरदार को लेकर जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। प्रभास और कृष्णम राजू काफी क्लोज है एक दूसरे के और भी अक्सर क्योंकि वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसके अलावा फिल्म का प्रथम तितली एक न्यूज में भी लहराई है। स्थानीय इटालियन मीडिया ने फिल्म की शूटिंग के बारे में अपने न्यूज चैनल पर जानकारी दी। राधे श्याम की टीम अब इटली के पियामोंट में आगे बढ़ रही है। स्थानीय मीडिया ने इटली में राधे श्याम के सेट से एक विशेष वीडियो भी साझा किया है। न्यूज पैकेज में प्रभास और पूजा हेगड़े के साथ शूटिंग स्पॉट के दृश्य दिखाए गए हैं। यानी इंडिया और चीन के बाद अब प्रभास का बोलबाला है। हमें प्रभास का जो बोलबाला देखने को मिलेगा वो उनके फैंस को अपनी ही फिल्म में इटालियन मीडिया के थ्रू भी देखने को मिलेगा। तो क्या आप पूजा हेगड़े देश की सबसे बिजी एक्ट्रेस में से एक बन चुकी है जिनके पास बहुत सारी फिल्में हैं। ऐसी ही एक फिल्म है राधे श्याम जो कि मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया फिल्म है और एक दिलचस्प अपडेट सामने आई है इस फिल्म से। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि राधे श्याम में पूजा की अहम भूमिका है जो वास्तव में अपने किरदार
से सबको प्रभावित करने वाली है। उन्होंने हमेशा अपने लुक से सभी को इम्प्रेस किया है, लेकिन इस फिल्म में उन्हें एक अभिनेत्री के रूप में अपनी वास्तविक क्षमता दिखाने और अपने कैरेक्टर को अधिक बेहतर से पेश करने का मौका मिला है। इसीलिए ये निश्चित रूप से उनके जो फैंस हैं उनके लिए एक रोमांचक ट्रीट होने वाली है। इससे पहले पूजा हेगड़े की फिल्म के सह कलाकार प्रभास भी उनकी परफॉर्मेंस से सुपर एक्साइटेड और इम्प्रेस्ड हो चुके थे। एक सूत्र ने पहले खुलासा किया था कि प्रभास ने टीम के कुछ अन्य सदस्यों के साथ हाल ही में राधे श्याम की एक कॉपी देखी और वो पूजा के काम से बेहद खुश है। वो बस उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये बताते हुए कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी शानदार थी और कैसे उनके सीन निखर कर आए हैं। और अब पूजा हेगड़े देश भर में इससे तहलका मचाने को तैयार है, जिनमें सलमान खान की अगली फिल्म में मौजूद है। बहुत सारी फिल्में लाइनअप में हैं। सल्लू के साथ वो कभी ईद कभी दिवाली कर रही है। रणवीर सिंह की बात करें तो उनके साथ सर्कस में नजर आएंगी। थलापति विजय की बीस्ट में वो दिखेंगी। चिरंजीवी के साथ आचार्य और रामचरण के साथ बहुत सारी फिल्मों में नजर आने वाली है। मोस्ट एलिजिबल बैचलर उसमें शामिल है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, राधे श्याम एक प्यार का महाकाव्यात्मक रचना है, जिसमें आप डूब जाएंगे। बहुत ही प्यारी प्यारी कहानी आपको देखने को मिलेगी। आपको एक मोशन पोस्टर याद हो जिसमें कि प्रभास और पूजा हेगड़े की एक झलक भी दिखी थी। उसके बाद बहुत सारे एरा के जो लवर्स हैं, जैसे हीर राजा और यहाँ तक देवदास पारो को भी इस मोशन पोस्टर में दिखाया गया था। तो ये प्यार की एक अलग ही कहानी आपको दिखाने वाली है बड़े पर्दे पर। और बहुत टाइम बाद प्रभास एक रोमांटिक अंदाज में नजर आएंगे। इससे पहले वो बहुत सालों पहले डार्लिंग नाम की फिल्म में रोमांटिक किरदार में दिखे थे। उसके बाद या तो एक्शन फिल्मों में दिखे, इमोशनल फिल्मों में दिखे, लेकिन रोमांटिक किरदार में बहुत कम दिखे। तो आप कितने एक्साइटेड हैं प्रभास और पूजा की इस रोमांटिक फिल्म के लिए? राधे श्याम के लिए फिल्म एक्टर प्रभास आखिर किन दो प्रोजेक्ट को डिले कर रहे हैं? प्रभास को 150 करोड़ का भारी नुकसान, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं फिल्म राधे श्याम के बारे में। आप सभी को बता दूं कि साउथ इंडियन फिल्म्स कहीं ना कहीं बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम फिल्म्स को पीछे छोड़ती चली जा रही हैं। ऐसे में टॉप 5 फिल्म्स की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें टॉप 3 में आपको साउथ इंडियन मूवीज ही नजर आएंगी। वहीं 4th नंबर पर आपको नजर आएगी प्रभास, यानी कि हमारे यंग सुपरस्टार की फिल्म राधे श्याम। और इसी एंटिसिपेशन के चलते फिल्म राधे श्याम के मेकर्स ने अपनी फिल्म के राइट्स काफी ज्यादा बड़े अमाउंट में बेचे हैं। शुरू करते हैं फिल्म के हिंदी डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स से, जिन्हें नेटफ्लिक्स ने खरीदा है। वहीं फिल्म के तमिल, मलयालम और तेलुगु राइट्स को खरीदा है Zee5 ने। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि Zee स्टूडियोज ने फिल्म के सैटेलाइट राइट्स अक्वायर कर ली हैं, जिसके मुताबिक मतलब ये होता है कि फिल्म को Zee के हर चैनल पर, यानी कि टीवी में जितने भी Zee के चैनल्स होंगे, अलग अलग भाषाओं में फिल्म को स्ट्रीम किया जाएगा। फिल्म के थिएटर रिलीज को अक्वायर किया है टी सीरीज ने, और वहीं साउथ में अक्वायर किया है यूवी क्रिएशंस ने। दोस्तों अभी तक फिल्म पर लगाए गए इंडिविजुअल अमाउंट को लेकर तो कोई खास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिल्म ने अपना 350 करोड़ का बजट अक्वायर कर लिया है। आप सभी को बता दूं कि अभी तक फिल्म का शूट रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही सेकंड वेव कंट्रोल में आई तो फिल्म मेकर्स ने फिल्म का शूट वापस जारी कर दिया। ऐसे में फिल्म के सेट पर प्रभास और पूजा हेगड़े भी हम सभी को वापस से एक बार फिर नजर आए। आप सभी को बता दूं कि प्रभास अपनी इस फिल्म के लिए अपने दो बड़े मास्टरपीसेस यानी के सलार और आदि पुरुष को टालने के लिए पूरे तरीके से रेडी हैं। वो इन दोनों फिल्मों को कुछ हद तक अभी साइडलाइन कर बैठे हैं और इस फिल्म पर काम करने में लगे हुए हैं। आप सभी को बता दूं कि सुपरस्टार प्रभास पैन इंडिया में एक सुपरस्टारडम एंजॉय करते हैं। ऐसे में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं और कैंपेन्स करना चाहते हैं, लेकिन प्रभास ऐसे में भी बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं। वो ऐसे कैंपेन्स चुनते हैं जिनसे सिर्फ लोगों का भला, वो कोई भी ऐसा कैंपेन नहीं करते जिनसे उन्हें लगता है कि दर्शकों को यानी कि देखने वालों को, उनके चाहने वालों को किसी भी तरीके का गलत इन्फ्लुएंस हो। और दोस्तों इसी सब के चलते प्रभास जैसे बड़े स्टार ने पिछले एक साल में 150 करोड़ के ब्रांड एंडोर्समेंट्स को ठुकरा दिया है। तो दोस्तों अब जब आप देख रहे हैं कि प्रभास अपने फैंस के लिए इतना कुछ करते हैं, इतनी सारी महंगी एंडोर्समेंट्स को ठुकरा देते हैं, तो आखिर वो कितने अच्छे एक्टर हुए? क्या असर होगा राधे श्याम फिल्म का गंगूबाई काठियावाड़ी से भिड़ने पर?
क्या ये क्लैश होने पर किस फिल्म को चुनेंगे लोग? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। प्रभास की एक अलग फैन फॉलोइंग है बाहुबली फिल्म के बाद, और उन्हें अब न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी अद्भुत है कि कोई भी फिल्म बस उनकी फैन फॉलोइंग के बदौलत हिट हो सकती है। राधे श्याम एक रोमांटिक फिल्म है जिसमें प्रभास और पूजा के बीच का रोमांस दिखाया जाएगा, जबकि गंगूबाई काठियावाड़ी एक ऐसी महिला की कहानी है जो कांतिपुरा की प्रोस्टिट्यूट होने के बावजूद भी अपनी मेहनत और लगन से खूब पैसा और नाम भी कमा लेती है। एक तो गंगूबाई काठियावाड़ी संजय लीला बंसाली की फिल्म है जिसके देश में अनगिनत फैंस है और हमेशा ही उनकी फिल्म देखने पहुंच जाते हैं। फिर इसमें है आलिया भट्ट जिनकी एक्टिंग, क्यूटनेस और स्माइल के लोग दीवाने हैं। नॉर्थ इंडिया में अब भी दर्शक प्रभास को साउथ का हीरो मानते हैं, जबकि आलिया बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार है। ऐसे में अगर ये दोनों फिल्में भिड़ती हैं बॉक्स ऑफिस पर तो नुकसान तो दोनों ही फिल्मों का होना है, पर राधे श्याम को ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि गंगूबाई काठियावाड़ी एक अलग थीम पर है और लोग अक्सर कुछ नया देखना पसंद करते हैं। लोगों का गंगूबाई काठियावाड़ी को राधे श्याम के ऊपर चुनने का एक और ये कारण भी हो सकता है कि गंगूबाई काठियावाड़ी एक सच्ची घटना पर आधारित है और गंगूबाई नामक एक औरत असल में थी जिसे आज भी कांतिपुरा में पूजा जाता है। इस फिल्म से जुड़ी कई कंट्रोवर्सी भी हो चुकी हैं और इतिहास गवाह है कि जब जब संजय लीला बंसाली की किसी फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है तब तब वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है। राधे श्याम एक जगह पर पड़ रही है गंगूबाई काठियावाड़ी पर भारी, पर वो ये है कि एक रोमांटिक फिल्म और भारतीय ऑडियंस तो प्यार मोहब्बत के दीवाने हैं और किसी भी जोड़ी या प्यार की कहानी सुनकर या देखकर कभी बोर नहीं होते हैं। इसकी और एक खास बात ये है कि इसमें पहली बार प्रभास और पूजा हेगड़े की जोड़ी साथ दिखेगी। दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं। इसमें काफी अच्छी और सुंदर दृश्य भी हैं जो शायद गंगूबाई काठियावाड़ी में ना हो, पर इन सब चीजों के बावजूद नॉर्थ इंडिया में गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म की एक्साइटमेंट और क्रेज राधे श्याम से ज्यादा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी फिल्म भाएगी दर्शकों। राधे श्याम का जो मोशन पोस्टर है जिसका हम सभी को इंतजार था वो आखिरकार आ गया और एक बड़ा सरप्राइज दिया है प्रभास ने हमें उनके जन्मदिन पर, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पहले तो हमारे चैनल की तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे प्रभास, और प्रभास हमें ऐसी ही फिल्में देते रहे, हमेशा पर्दे पर बने रहे, ये हम सब फैंस की दुआ है। आपको बता दें राधे श्याम का मोशन पोस्टर आ गया है जो कि काफ़ी क्यूट है और राधा कृष्ण ने सरप्राइज दिया है एक बहुत बड़ा। और आपको बता दें जो ये फिल्म है इसमें पूजा हेगड़े नजर आने वाली है, बीट्स ऑफ राधे दिलों की धड़कन हमारी बढ़ा रही है, और आप देख सकते हैं मोशन पोस्टर में सबसे पहले आता है एक हाथ और क्या विजुअलाइजेशन है जब वो हाथ खुलता है और उसकी लकीरों से फिर उगता है जंगल। जंगल में एक पुल है और फिर एक विंटेज ट्रेन दिखाई गई है, और जो ये पूरा सीन है ये हमें कहीं और ही लेके चलता है। आप देखिए इसे किस तरह का उन्होंने विजुअल्स डाले हैं, एनिमेशन सब कुछ कमाल का है। उसके बाद खुलते हैं दरवाजे और एक एक करके हमें अलग अलग एरा की लव स्टोरी दिखाए जाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। कोई लैला मजनू दिख रहा है तो कोई रोमियो जूलियट दिख रहा है, क्योंकि गुलाब देते हुए नजर आ रहा है, घुटने में बैठा हुआ है लड़का। उसके बाद अनारकली टाइप कुछ सीन्स दिख रहे हैं मुगल्स के, और एक देवदास का सीन भी नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, एक डॉग दिख रहा है, एक उसकी वाइफ हो सकती है वो, तो इस तरह की चीज़ें दिखाई गई है। अब राधे श्याम भी तो एक लव स्टोरी ही थी, तो प्यार की कहानी जिसे हम कभी ना भुला सके, जन्मों जन्मों का प्यार जिसे कह सकते हैं, वो दिखाए जाने की कोशिश करी जा रही है। हाथ में क्लास है जैसे कि मैंने कहा, और फेमस लव स्टोरीज को पोर्ट्रे किया गया है। फिर आता है एक प्यारा सा दुपट्टा जो कि हाथ से फिसलता है, और उसके बाद एंट्री होती है हमारी हीरोइन पूजा हेगड़े की, और पूजा हेगड़े ट्रेन से बाहर निकलती है लहराते हुए, और फिर आते हमारे डार्लिंग प्रभास ग्रीन शर्ट में, और जिस तरह से उनका लुक है, चेक पैंट है, ग्रीन शर्ट है, मफलर है, ये ट्रेंड होने ही वाला है और सब फॉलो करा करेंगे। BGM कमाल का है, जैसे जैसे वो राधे कृष्ण का गाना बज रहा है वो वाकई बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है आपके कानों को भी और दिल को
भी, तो सुकून भरा ये मोशन पोस्टर लग रहा है। फेस टू फेस आपको राधे श्याम यानी कि प्रभास और पूजा हेगड़े नजर आ रहे हैं। फिल्म में इन दोनों का नाम राधे श्याम तो नहीं लगता, क्योंकि प्रभास का नाम भी रिवील कर दिया गया है विक्रमादित्य, और राधे का भी रिवील कर दिया गया है यानी कि पूजा हेगड़े का नाम प्रेरणा होने वाला है। तो क्या होने वाला है डबल रोल, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कमाल का ये पोस्टर आया है, फॉर्मल शूज पहने हुए हैं, पूजा हेगड़े ने गाउन पहना हुआ है, तो काफी क्यूट ये कपल लग रहा है और प्यार का पागलपन दिखाया जाना है। उसके बाद राधे श्याम का बड़ा सा फॉन्ट आ रहा है, इसे आज ही हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज कर दिया गया है ये पोस्टर, मोशन पोस्टर। और उसके अलावा आपको बता दो यूवी क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, भूषण कुमार इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। और पहले हमने अपने बाहुबली को देखा, उसके बाद साहू को देखा, और अब हम देखने वाले हैं अपने डार्लिंग प्रभास का रोमांस, जो कि वाकई कमाल का होने वाला है। क्या होता है एक फिल्म का ऐसा नाम होने से, दर्शकों को ऐसे नाम की फिल्म के बारे में क्या लगता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और बॉलीक्रैट स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। फिल्म के डायरेक्टर राधे कृष्ण कुमार इस फिल्म के माध्यम से बाहुबली जैसे एक मेगा फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने प्रभास जैसे मेगा स्टार को भी फिल्म में कास्ट किया है। भाग्यश्री को भी कास्ट करने का ये एक बड़ा कारण था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाग्यश्री बड़े पर्दे से कई सालों तक गायब थी, और ऐसे में लोग उन्हें फिल्म में देखने के लिए काफी बेताब हैं, जिसकी वजह से इस खातिर तो वो राधे श्याम देखने जरूर जाएंगे। आपको बता दें कि ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म का नाम राधे श्याम इसलिए रखा गया है क्योंकि राधा और श्याम की प्रेम कहानी से तो पूरा भारत वाकिफ है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी जानते हैं। इसका एक और बड़ा कारण ये है कि ऐसा नाम रखने से बूढ़े और आध्यात्मिक दर्शक भी इसको देखने के लिए आकर्षित होंगे। ऐसा नाम रखने से दर्शकों की अपेक्षा ये हो जाती है कि शायद असल में राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी दिखाई जाएगी, और दर्शकों का एक्साइटमेंट और दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा नाम रखना एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि चाहे कहानी और फिल्म का मुद्दे से कुछ लेना देना ना हो, लेकिन केवल फिल्म का नाम ही इसे फायदा दिला सकता है। कुछ लोग तो ऐसा नाम से ही फिल्म से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके ईश्वर की खातिर उन्हें ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, उनके भगवान की कहानी की खातिर उन्हें ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। लोगों को लगता है कि हो ना हो ऐसी फिल्म का जरूर कोई माइथोलॉजिकल लिंक होगा। लोग सोचते हैं कि माइथोलॉजिकल लिंक होने की वजह से फिल्म में अच्छी सीख दी जाएगी, जो कि बच्चों को दिखाने से आज के बच्चे कुछ सीखेंगे, और ये एक अच्छा तरीका है अपने बच्चों को अपने धर्म और संस्कारों से जोड़ने का, और कई बार लोग इसलिए भी इसे देखने थिएटर्स जाएंगे। हालांकि ऐसा नाम होने के फायदे तो है ही, इसके साथ साथ इसके नुकसान भी हो सकते हैं। वो इसलिए कि अगर दर्शकों को लगा कि फिल्म में उनके भगवान के बारे में कोई गलत चीज दिखाई गई है, या फिर उनके भगवान की इमेज को गिराने की कोशिश कोई कर रहा है, तो वो आग बबूला हो जाते हैं, और ऐसा होने पर इस वजह से फिल्म बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सीज में पड़ जाती है। राधे श्याम की शूटिंग कौन से शहर में शुरू हुई? क्या राधे श्याम की शूटिंग विदेशों में की गई है? राधे श्याम की शूटिंग में कौन कौन से शहर शामिल है? साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के डार्लिंग प्रभास पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना कब्जा करने को तैयार हो चुके हैं। जहां बाहुबली का गजब का धमाका करने के बाद एक्शन और माइथोलॉजी में तो अपना झंडा गाड़ चुके हैं प्रभास, वही राधे श्याम के साथ रोमांटिक एंगल में भी खूब अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रभास ने अपनी कमर कस ली है। राधे श्याम की शूटिंग तो पूरी हो चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म की मल्टीपल शूटिंग लोकेशन रही है? तो आज की इस वीडियो में जान लेते हैं कि राधे श्याम की शूटिंग लोकेशन कहाँ कहाँ रही है। वैसे तो इस फिल्म की शूटिंग विदेशों में भी की गई है, लेकिन राधे श्याम की शूटिंग की शुरुआत इंडिया से ही हुई। अक्टूबर 2018 में राधे श्याम की शूटिंग शुरू हुई थी, और पहला शूटिंग 6 अक्टूबर को हैदराबाद में किया गया था। हैदराबाद से शुरू हुई ये जर्नी इटली और रोम और जॉर्जिया तक भी पहुंच गई। शूटिंग की लोकेशंस जान के ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सिलेक्टिव होकर फिल्म के मेकर्स ने शूटिंग के लिए लोकेशंस को चुना है।
कहा जा रहा है कि इस फिल्म में इतने सारे लोकेशंस को इसलिए चुना गया है क्योंकि काफी सारे सिग्निफिकेंट सीन्स इस पिक्चर में ऐसी होने वाली है जिसके लिए बहुत ही अलग लोकेशंस की जरूरत पड़ेगी। इसकी एक वजह यह है क्योंकि इस फिल्म में टाइम जोन काफी अलग अलग दिखाया जाने वाला है, जैसे कि कभी एकदम रेट्रो टाइम दिखाया जाएगा तो अचानक से ही मॉडर्न वर्क भी दिखाया जाएगा। इसके लिए शूटिंग के लोकेशंस में काफी बदलाव होना जरूरी था और यही वजह है कि राधे श्याम की शूटिंग लोकेशन इतनी अलग है। हैदराबाद में इस फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई थी, उसके बाद फिल्म के मेकर्स पूरी कास्टिंग टीम के साथ जॉर्जिया पहुंच गए। जॉर्जिया में फिल्म के लव स्टोरी का एक हिस्सा शूट किया गया जिसके बाद पूरी टीम इटली को रवाना हुई। इटली में फिल्म के कुछ स्पेसिफिक रोमांटिक सीन्स शूट किए गए। पूजा हेगड़े और प्रभास इटली की कई सारी सीन्स में काफी अलग कॉस्ट्यूम में भी नजर आ रहे हैं। इटली में शूट खत्म होने के बाद राधे श्याम की पूरी टीम रोम पहुंच गई, जहां राधे श्याम की मॉडर्न डे लव स्टोरी शूट किया गया। फाइनली विदेशों का पूरा शूट खत्म हो जाने के बाद मुंबई के फिल्म सिटी में भी राधे श्याम की स्पेसिफिक सीन्स शूट की गई। किसी के बड़े पिक्चर की शूटिंग हो और उसमें माया नगरी मुंबई का नाम शामिल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए राधे श्याम भी हैदराबाद में अपना सफर शुरू करने के बाद विदेशों में फिल्म की कई सारे शूटिंग खत्म हो जाने पर फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खुशहाल शहर पधारी और वो है माया नगरी मुंबई। मुंबई में फिल्म का एंडिंग सीन शूट किया गया है ऐसा सुनने में आ रहा है। राधे श्याम में मीरा भाई का भी किरदार दिखाया जाएगा, कितनी संभावनाएं हैं और कौन इस रोल के लिए फिट हो सकता है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स की फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाएं तब आप वो सुनकर सबसे पहले जान पाएं। राधा और कृष्णा की प्रेम कहानी के न जाने कितने वर्जन्स हम सब सुन चुके हैं। कभी किसी कहानी में राधा कृष्णा की मामी होती है, किसी में वो उनकी सखी, किसी में गाँव की गोपी, किसी में भक्त और किसी में एक देवी अवतार। लेकिन एक बात हर कहानी में कॉमन है कि जब कृष्णा भी हमेशा मानते हैं कि राधा की तरह कृष्णा को कोई प्रेम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमें सारी कहानियों को सुनने के बाद ये सीख मिलती है कि जरूरी नहीं है कि राधा कृष्णा की मामी थी या बस एक सखी थी या गोपी थी या एक भक्त। जरूरी ये है कि उन दोनों की प्रेम की बात दुनिया में रह गई, ना कि उनके रिश्ते की बात। ये बात नहीं कि दोनों की कभी शादी हो पाई या नहीं, या ये बात कि कृष्णा की कितनी पत्नियां थी। लेकिन एक और बात जो हमेशा आ जाती है डिस्कशन में वो ये है कि एक और स्त्री थी जो कृष्णा को उतना ही चाहने लगी थी जितना राधा, उनमें भी उतनी ही बेकाबी, उतना ही सास, उतनी ही दीवांगी, उतना ही पागलपन, उतना ही नशा था जिसकी वजह से वो भी राधा से बराबर याद की जाने लगी। कहा जाता है कि एक दिन यूं ही हर रोज की तरह कृष्णा का नाम उच्चारण करते हुए तपस्या के बीचों बीच मीराबाई समाधि में चली गई। कुछ कहते हैं कि वो सामने रखी गई कृष्णा की मूर्ति के साथ मिल गई। किसी भी प्रेम कहानी में एक वादा का होना बहुत दिलचस्प हो जाता है, जनता के लिए और कहानी के लिए भी, क्योंकि वही तो प्रेम की परीक्षा देता है। यहाँ पे बाधा कोई शत्रु नहीं बल्कि एक और प्रेमिका है। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। हो सकता है कि इस फिल्म में दरअसल मीराबाई की नजरों से ही राधा कृष्ण की कहानी को नरेट किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टोरी दरअसल कंटेम्प्रेरी सेटिंग में नरेट की जाए, तीन प्रेम करने वालों के बीच। कृष्णा को प्रेम तो राधा से ही होता है लेकिन बदनामी मीरा की होती है, और वर्षों बाद मीरा की कहानी प्रेम करने वालों को हौसला और ताकत देती है। अगर हमारी सुने तो फिल्म में मीराबाई के रोल में समंथा अकिनेनी ही परफेक्ट रही है। समंथा एक बहुत ही सक्षम अभिनेत्री है और उनका स्क्रीन प्रेजेंस भी बहुत खूबसूरत है। समंथा अभी अभिजनना शकुंतलम के ऊपर एक फिल्म में नजर आने वाली है। फिल्म का नाम है शकुंतलम। तो मीराबाई का रोल उनके लिए एक
जाना माना स्पेस ही होने वाला है। हमें कमेंट्स में बताएं आपके सजेशन में कौन मीराबाई के रोल में फिट रहेंगी। इसी के साथ खत्म होती है बॉलीवुड खबरें, और बॉलीवुड खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीग्राफ स्टूडियो।